السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم। सबसे पहले हर तरह की हमद और सना तारीफ और तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जिसके फजल व एहसान से रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला की उतारी हुई बाबरकत किताब के इस बाबरकत मजलिस में हम शरीक हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान के इस बाबरकत महीने में यहाँ हमारी इस मजलिस में शिरकत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को आखिरत में हमारी नेकी के पर्दे में वजन बढ़ाने वाला बनाए, हमारे गुनाहों का कफारा बनाए। इससे पहले कि हम दर्स शुरू करें, हम सब अपनी नियतें दुरुस्त कर लें कि यहाँ हमारा इस मजलिस में शरीक होना बाकायदा एक इबादत है और इस इबादत का मकसद अल्लाह ताला का तकर्रुब और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना है। तो अल्लाह ताला से अपनी नियतों की तजदीद जो है ना वो करते रहना ज़रूरी है हर हर अमल के पहले कि हमारा ये अमल जो है वो खालिसतन इबादत का एक अमल है और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जो हम खुसूसी इबादतें करते हैं तो हमारा ये क्लास का सिलसिला सूरह बकरा की तफसीर का तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसे से चल रहा है, लेकिन इस रमज़ान में इस मजलिस में शिरकत का खुसूसी मकसद एक इबादत करके अपने रब को खुश करना और राज़ी कर लेना है। अपनी मालूमात में इजाफा करना भी एक मकसद है, लेकिन इस मालूमात में इजाफे का मकसद भी अल्लाह को खुश करना और अल्लाह ताला को राज़ी करना है। तो बाकायदा ये एक इबादत की मजलिस है, ये सोच करके मैं इसमें शरीक हूँ कि यहाँ पर गुजरने वाला एक एक लम्हा हमारी नेकियों में लिखा जा रहा है और कुरान मजीद कहा कि ये भी है कि उसको पढ़ा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुरान की तिलावत भी जो है वो रमज़ान के महीने में कसरत से कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसका मकसद समझा जाए, उसको उस पर अमल किया जाए और अमल के लिए भी उसका समझना ज़रूरी है। और ये जो मजलिस है वो कुरान मजीद को समझने की, कुरान की आयतों में गौर व फिक्र करने की, उसके मानी की गहराइयों में जान कर जा करके उसको जो है पूरे तौर पे अपने उसे उसके हर हर पहलुओं पे गौर करने की मजलिस है। अल्लाह ताला हम सबको इस काम की तौफीक अता फरमाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 219 से हमको आज की तफसीर का आगाज करना है। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यसअलूनक عن الخمر والميسر, ये आपसे पूछते हैं। पहले एक सादा सा तर्जमा हम देख लेते हैं ताकि आयतों को समझने में आसानी हो। फरमा रहे यसअलूनक عن الخمر والميسر, ये आपसे पूछते हैं शराब के बारे में, वल मैसिर और जुए के बारे में। قل فيهما إثم كبير, कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है। व मुनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। व इस्मुहुमा, और इनका गुनाह अकबर बड़ा है, मिन नफ़ईहिमा, इनके नफ़ा से। व यसअलूनका माज़ा युन्फ़िकून, और आपसे पूछते हैं कि ये खर्च क्या करें। कुल लाफ़, इनसे कह दीजिए कि जो ज़ायद चीज़ें हैं वो खर्च करो, जो इजाफी चीज़ें हैं वो खर्च करो। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला ऐसे ही अपनी आयतें तुम पर वाज़े करता है। लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर करो। फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी गौर करो और आखिरत में भी गौर करो। वयसअलूनका अनिल यतामा, ये आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। कुल इस्लाहु लहुम खैर, इनसे कह दीजिए कि उनका उनको संवारते रहना बेहतर है, उनकी इस्लाह करते रहना बेहतर है, उनकी खैरखाही करते रहना बेहतर है। वइन तुखालितुहुम फइख्वानुकुम फिद्दीन, और अगर तुम्हें अपने साथ मिला लो तो वो तुम्हारे, फइख्वानुकुम तो वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिदा मिनल मुस्लिह, और अल्लाह जानता है कि कौन है मुफ्सिद और कौन है मुस्लिह। वलौ शा अल्लाहु लअअनतकुम, और अल्लाह अगर चाहता तो तुमको जरूर मशक्कत में डाल देता। इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ग़ालिब और हिकमत वाला है। तो बुनियादी तौर पर सहाबे किराम के सवालों के जवाब इन दोनों आयतों के अंदर दिए गए हैं। तीन चीज़ों से मुतालिक सवाल था, इससे पहले भी वो आयतें गुजरी हैं, उसमें भी सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों से
जवाब दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का रखे वो वही पहुंचाई और अल्लाह ने सहाबा के सवालों का जवाब दिया। यस अलूनक से तफसीर की शुरुआत करते हैं। कुछ बातें मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि भाई, एक तो इससे सहाबा के इल्म की हिर्स समझ में आती है कि सहाबा इल्म के कैसे मुतराशी थे और वो कोई मसला उनको पेश आता था तो वो सवाल करते थे। अलबत्ता उनके सवाल का मकसद जो होता था वो होता था अमल करना। तो हमारे भी सवालों का मकसद अमल करना होना चाहिए। सवाल कट हुज्जती के लिए नहीं होने चाहिए, सवाल सामने वाले का इल्म नापने के लिए नहीं होने चाहिए, सवाल जो है वो अपना इल्म जताने के लिए नहीं होने चाहिए, सवाल लोगों को उलझाने और फंसाने के लिए नहीं होने चाहिए, सवाल होने चाहिए अमल के लिए। हमारे दौर में सवाल बढ़ गए हैं, अमल कम हो गया है। सहाबा के दौर में सवाल कम थे, अमल ज्यादा था। बिलउमूम सहाबे किराम जब तक कि कोई एक वाकईतन दिक्कत और मुश्किल पेश ना आ जाए वो सवाल नहीं करते थे, क्योंकि शरीयत जब नाजिल हो रही हो तो उस वक्त ज्यादा सवाल करने से शरीयत के मुश्किल हो जाने का अंदेशा होता है। जैसे बनी इसराइल के साथ हुआ था कि उनसे कहा गया गाय ज़बह करो, अगर वो ज़बह कर देते तो मुश्किल नहीं होती, कोई भी गाय ज़बह कर सकते थे, पर जैसे जैसे वो सवाल करते गए शरीयत उनके लिए मुश्किल होती चली गई, हुक्म मुश्किल होता चला गया, बड़ी मुश्किल से फिर वो गाय मिली जिसको ज़बह करना था उनको। तो क्योंकि वो जो है ना शरीयत का नुज़ूल का वक्त बहुत सेंसिटिव वक्त होता है और अगर गैर जरूरी सवाल किया जाए तो शरीयत के अहकाम जो है वो सख्त होते चले जाते हैं, इसलिए सहाबा को ये तालीम थी कि सवाल मत करो। इवन ये सूरत हाल थी कि सहाबा खुद सवाल नहीं करते थे लेकिन वो ये चाहते थे कि जो बद्दू लोग हैं जो नए नए ईमान लेकर के आते हैं और जिनके भी उतनी तरबियत नहीं हुई वो अल्लाह के नबी की मजलिस में आके कुछ सवाल कर ले ताकि उसके सवाल के जरिए कोई मिल जाए। तो सहाबा बहुत ज्यादा सवाल से बचते थे, कम सवाल करते थे सहाबा करा, या उनको वाकईतन कोई दिक्कत पेश आती थी वहां पर सवाल करते थे क्योंकि वो मकसद ही उनका होता था इल्म हासिल करना। तो हमारे भी सवाल का मकसद इल्म हासिल करना होना चाहिए कि जो लोगों की जबान पर ऐसे फजूल किस्म के सवाल होते हैं जिनका इल्म और अमल से कोई ताल्लुक नहीं होता, अकीदा और मनहज से कोई सवाल नहीं होता, ऐसे सवालों को इंटरटेन भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जो फरमाया कि असहाब कहफ की तादाद के बारे में लोग झगड़ा करते भला तुम्हारी फी मिल्ला मरा अंदाहिरा, तो इनसे इस मामले में कोई बहस तकरार नहीं करो। ऐसी चीजें जिनका हमारे इल्म अमल से कोई ताल्लुक नहीं उनके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। तो यस अलून, एक तो सहाबा का इल्म का हिस्स समझ में आया, दूसरा ये कि भाई सहाबा की अजमत समझ में आई कि सवाल वो कर रहे हैं और जवाब आसमान से नाजिल हो रहा है, अल्लाह की वही की शक्ल में नाजिल हो रहा है। तो कितना बड़ा मकाम है जो इस उम्मत में और किसी नस्ल को नहीं मिला कि उनके सवालों का जवाब देने के लिए आसमान से वही उतरती हो, यहाँ सहाबा के सवालों का जवाब देने के लिए आसमान से वही का नुज़ूल होता है। यस अलूनक, आपसे सवाल करते हैं और हम जवाब देते हैं, अल्लाह जवाब दे रहे हैं उनको उनके सवालों पर, यानी इनके फतवा पूछने पर अल्लाह ताला फतवा देने वाला था। कुल इल्लाहु युफ्तीकुम, कुरान में कई मकाम पर आया यस्तफ्तूनक, आपसे फतवा पूछ रहे हैं, कहिए कि अल्लाह ताला आपको फतवा दे रहा है। तो ये सहाबा की अजमत की भी एक दलील है कि इनके सवालों के जवाब में कुरान मजीद नाज़िल हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि सहाबा से ज्यादा बेहतर कुरान कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वो लोग थे जिनके मामलात में जिनके सवालों के जवाब में कुरान मजीद नाजिल हुआ करता था। और फिर अल्लाह के नबी से पूछते हैं, फिर किसी से नहीं पूछते, तो सवाल का जवाब अल्लाह के नबी से मिलता है। दीन का मंबा अल्लाह के नबी है, शरीयत का मसदर अल्लाह के नबी सल्लम है, सोर्स इस्लाम का अल्लाह के नबी सल्लम है। तो सवाल अल्लाह के नबी से होना चाहिए, जवाब अल्लाह के नबी का हासिल करना चाहिए। हर मसले में ये देखना चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म इस मामले में क्या है। किस बारे में सवाल करते हैं, अनिल खम्र वल मैसिर, ये आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में। खम्र, खम्र कहते हैं ये खाम मीम रा से जो भी अल्फाज अरबी में बनते हैं उसमें ढापने के माने पाए जाते हैं। तो जैसे खिमार कहा जाता है, वल्यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अल्लाह ताला ने दुपट्टे को खम्र कहा है कुरान की सूरह नूर के अंदर कि वो अपने दुपट्टों को अपने सीनों पर डाल लें। तो खम्र दुपट्टे को कहते हैं क्योंकि खम्र जो है यानी खिमार कहते हैं दुपट्टे को, क्योंकि दुपट्टा जो है वो इन सर पे डालते हैं तो वो दुपट्टा सर को ढाक लेता है। तो शराब को भी खम्र कहा जाता है क्योंकि शराब जो है वो इंसान की अक्ल को ढांप लेती है। अल खम्रु मा खामर अल अक्ल, खम्र कहते हैं जो इंसान की अक्ल को ढांप ले। तो लघवी तौर पे खम्र इसी को कहते हैं जो इंसान की अक्ल को ढांप ले, अलबत्ता इस्तिलाह में जो है वो खम्र कहते हैं कुल्लु मा अस्करा अला वजह लद्दा व तर्ब। ये शेख इब्न उसैमीन ने खम्र की तारीफ की है कि हर वो चीज जो लज्जत की वजह से इंसान इसको नशे में डाल दे, यानी जिससे नशा पैदा हो और उस नशे का मकसद क्या हो, लज्जत, यानी जो इंसान की अकल को ढाक ले और वो एक सुरूर महसूस करने के लिए, एक तर्ब महसूस करने के लिए, लज्जत के लिए वो उस चीज़ को इख्तियार करे, उस चीज़ का सेवन करे, उसको हासिल करे, तो उसको खमर कहा जाता है। नहीं, अला वजह लज्जा की शर्त गालिबन शेख ने इसलिए लगाई कि बाज मरतबा बाज जो है ना वो इलाज के मकसद से इंसान को बेहोश कर दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, जैसे उससे भी इंसान की अकल ढाप जाती है, वो बेहोश हो जाता है, पर वो एनेस्थीसिया का मकसद लज्जत हासिल करना नहीं होता, वो इलाज के लिए होता है। इसलिए शेख ने जो है वो लज्जत की शर्त लगा दी कि मा अस्करा अला वजह लज्जा, जिस चीज़ में नशा हो बतौर लज्जत और बतौर
तर्ब के उसको इंसान जो है वो लज्जत के लिए हासिल करे तो वो खम्र है। वल मैसिर, और ये आपसे सवाल करते हैं जुए के बारे में। मैसिर ये बाजुलमा ने कहा ये यूसर से बनाए, जुए की तारी किस्मों को मैसिर कहा जाता है। यूसर का मतलब होता है आसानी, है ना, कुरान की आयत पढ़ते हैं इन्ना माल उसरी यूसरा, मुश्किल के साथ आसानी है, तो यूसर का मतलब होता है आसानी, ईजी। तो क्योंकि इजी मनी होती जो इंसान जुए में हासिल कर लेता है, उस पर कड़ी मेहनत नहीं करता कोई, कोई उसको उसके लिए जहानत और उसके लिए ताकत सर्फ नहीं करनी पड़ती, इजी मनी होती है जो जुए में जीत करके हासिल कर लेता है, इसलिए उसको मैसिर कहा जाता है। जवाब लोगों ने कहा यसर जो है वो यासिर कहते हैं तकसीम करने वाले को, तो क्योंकि उसमें तकसीम किए जाते हैं, पत्ते तकसीम किए जाते हैं और उसके बाद किसी पत्ते पर जो है वो पैसा लगाया जाता है, इसलिए उसको मैसिर कहा जाता है। बुनियादी तौर पर जुआ कहते हैं गेम ऑफ चांस जिसको हम कहते हैं, मुखातरा कहा गया है। यानी मुखातरा का मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसी अनसर्टेन चीज पर पैसा लगा दें जिसका होना आप पता ना हो कि होगा कि नहीं होगा, और उसमें ये हो कि अगर ये हो गया तो आपको या तो गानी पैना गानी मिन और गादी मिन। और शेख इब्न उसैमीन ने जो उसके मैसेज की तारीफ करते हुए कहा कि कुल्लु कस्बिन अला तरीकिल मुखातरा वल मुगालबा वज़ाबितु अन यकूना फीही बैना गानी मिन और गादी मिन, कि कोई ऐसी चीज पर आप पैसा लगा रहे हैं जिसमें अनसर्टेन है, वो खतरा है उसके अंदर होगा या नहीं होगा, तो आपने पैसा लगा दिया और उसमें जाप्ता ये किया तो आप उसमें गानिम होंगे, या तो आपको बहुत फायदा होगा या फिर वो आपका जो लगाया हुआ है वो भी चला जाएगा। कारोबार में ही नहीं होता ना, कारोबार में क्या होता है आप कुछ पैसा लगा रहे हैं, पैसे के बदले में आपको सामान मिलता है, सामान वाले बाजू वाले को जो जिससे आपने खरीदा है उसको पैसा मिलता है सामान के बदले में, तो दोनों तरफ के लोग फायदे में रहते हैं। ऐसा कारोबार ऐसा नहीं होता कि एक आदमी को ही फायदा होगा। जुए में और कारोबार में तिजारत में फर्क यही होता है कि जुए में जो है वो एक आदमी का नुकसान होता है, दूसरे का फायदा होता है। बेवानी दो में से किसी एक का नुकसान नहीं होगा अगर दो लोग जुआ खेल रहे हैं तो, और एक का ज्यादा फायदा होगा। तो ये जुए में बेसिक चीज यही होती है कि आप एक अनसर्टेन चीज पर पैसा लगा दें। गैम्बलिंग जो आप गैम्बलिंग की तारीफ विकिपीडिया पे पढ़ेंगे तो भी आपको गैम्बलिंग की तारीफ यही मिलेगी कि किसी अनसर्टेन चीज पर, गैर यकीनी चीज पर आपने पैसा लगा दिया। मसलन आसान सी चीज जैसे पत्ते तीन रखे गए और उसके बाद एक पत्ते पर पैसा लगा दिया आपने 1000 रुपए अपने हिसाब से, और अगर वो आपका पत्ता निकल गया तो आपको 10,000 मिल जाएंगे, नहीं निकला तो आपके 1000 भी चले जाएंगे। या जैसे वो जो एक बॉल वाला गेम होता है वो उसको नंबर पे आपने पैसा लगा दिया, अब बॉल जिस नंबर पे गिरेगा अगर आपके नंबर पे गिर गया तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा, नहीं गिरा तो जो आपने लगाया था वो भी डूब जाएगा। लॉटरी में भी यही होता है, तो जुए की बहुत सारी शक्लें होती हैं, तो उन सारी शक्लों को भी जो है ना मैसिर कहा गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा खम्र और मैसिर में बुनियादी तौर पर एक ताल्लुक भी है, इसलिए इन दोनों का जिक्र कुरान मजीद में एक साथ आया, यहाँ पर भी एक साथ आया है, और जब हुरमत वाला जिक्र आया है ये पहली आयत है जो उसके बारे में नाजिल हुई। और आपको पता है कि खम्र और मैसिर इसको जो है ना एक साथ हराम नहीं किया गया, आहिस्ता आहिस्ता हराम किया गया। मैसिर भी जो है वो एक तरह का नशा है, यानी जुए में भी एक तरह का नशा होता है जैसे शराब में एक तरह का नशा होता है, और जुए का भी इंसान बाज मरतबा ऐसे ही आदि हो जाता है, उसको ऐसी आदत पड़ जाती है जैसे शराब की आदत पड़ जाती है। तो जुआ और नशा ये दोनों एक बहुत मिलजुली चीज़ है, इसलिए आप आमतौर पर आप देखेंगे ना कि वो इलाके जो जुए के लिए मारूफ है वही शराब के लिए भी मारूफ होते हैं, और आमतौर पर शराब खानों में ही जो है ना वो गैम्बलिंग के अड्डे बने हुए होते हैं, वहाँ पर शराब भी बिकती है, वहाँ पर जुआ भी होता है। तो और जो शहर है मशहूर, जो अमेरिका का बहुत मशहूर शहर है, तो वहाँ पे जैसे शराब बहुत आम है वैसे जुआ बहुत आम है, कैसीनोज जहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं लास वेगास, और हमारे इंडिया में आप देख लें कि जो है गोवा वो शराब के लिए भी मारूफ है और वो कैसीनोज के लिए अपने जुओं के लिए भी बहुत मारूफ है। तो आप ये देखेंगे कि आमतौर पर शराब और जुए का बड़ा गहरा ताल्लुक है, दोनों में एक तरह का नशा होता है, और जुआ खेलने के लिए जो एक तरह से इंसान को एक कॉन्शियस में आदमी जो रहेगा बहुत समझदार वो जुआ नहीं खेलेगा, जुआ खेलना एक तरह की बेवकूफ़ी, मतलब लॉटरी खेलना एक तरह की बेवकूफ़ी। करोड़ों के लोग लाखों की तादाद में लोग लॉटरी निकालते हैं, हालांकि लॉटरी में जीतने का चांस जो है ना, जो कहा गया है कि बिजली गिरने का किसी इंसान को जितना चांस होता है उतना ही चांस होता है किसी की लॉटरी में कोई जीत जाए, पर कैसे लोग ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो 10 यू 20 यू 50 साल से लॉटरी निकालते आ रहे हैं कभी तो करना कभी ना चांस मिल जाएगा, लेकिन वो चांस कई लोगों का नहीं मिलता, किसी एक का मिल जाता है और उसको ज्यादा पैसा मिल जाता है तो दूसरों को लालच लगती है शायद ये चांस मुझे भी मिल जाए। तो उसके लिए एक तरह की बेवकूफ़ी चाहिए, जो बहुत अकलमंद आदमी होगा वो अपनी मेहनत की कमाई जुए में नहीं लगाएगा जिससे उसको कोई फायदा नहीं, डूब जाने वाला पैसा, पर जब वो शराब के नशे में होता है तो उसके लिए जुआ खेलना आसान होता है, और फिर जुए का अपना एक नशा होता है, आदमी को हमेशा ये उम्मीद रहती है, होप रहता है कि मैं जीतूंगा आप जीतूंगा आप जीतूंगा आप जीतूंगा,
तो शराब और जुए का बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए आमतौर पर कुरान मजीद में शराब और जुए का जिक्र एक साथ आया है। यसअलूनक अनिल खमरी वल मैसिर, यहाँ पे फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने जहाँ पे हुरमत कहते भी नाजिल फरमाई, वहाँ पे भी दोनों का एक साथ जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे है, इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुन मिन अमरि शैतान, यहाँ पे आराम किया गया उसको, शैतान गंदगी और शैतान का अमल करार दिया गया, वहाँ पे भी खमर यानी शराब और जुए का जिक्र एक साथ किया गया। यसअलूनक अनिल खमरि वल मैसिर, सहाबा से सवाल कर रहे हैं शराब के बारे में। और अच्छा, अभी तक के जो है ना वो कोई आयत खमर के बारे में बाकायदा नाजिल नहीं। एक आयत में सिर्फ इतना कहा गया कि जो है अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत सारे फल पैदा किए हैं जिनसे तुम अपने लज्जत के लिए खाने का इस्तेमाल करते हो, उससे नशे के लिए भी अपनी चीजें निकालते हो। तो लेकिन अब तक के कोई आयत बाकायदा तौर पे खमर के बारे में यानी शराब के बारे में हुरमत पर कोई आयत बाकायदा नाजिल नहीं हुई है, कहीं जुए के बारे में। पर सहाबा की जब तरबियत हो गई ना, उनका तस्किया हो गया, तो जो एक अक्ल सलीम हो गई, दिल पाक हो गया, तो उनको महसूस होने लगा कि भाई ये ठीक नहीं लग रही चीज, शरीयत ने इसको मना क्यों नहीं किया है। जब दिल पाक हो जाता है ना, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इफ्मो माहा काफी नफ्सी, गुना वो है जो तुम्हारे दिल में खटकने लगे। तो सहाबे कराम, अभी अल्लाह ताला ने, क्योंकि अरबी माशरे के अंदर शराब इतनी आम थी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती हुई है, कि बहुत कम लोग ऐसे थे जो शराब नहीं पीते थे। यानी पीने की असल चीज तो शराब थी, अरबों के यहाँ पीने की असल चीज शराब थी। आप सोचिए, शराब इतनी आम थी कि बाज एक सहाबा जो शराब नहीं पीते थे, तारीख में बाकायदा उनका जिक्र अलग से मौजूद है, हजरत अबू बकर का, हजरत उस्मान का, ये दो सहाबा खास तौर पे इनका जिक्र आता है कि ये जमाने जाहिलियत में भी शराब नहीं पीते, यानी जब उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था उससे पहले ही अपने ऊपर शराब हराम कर ली थी। तो इतना ज्यादा शराब आम होने की वजह से कि शरीयत ने आते साथ पाबंदी नहीं लगा दी उस पर, इतना आसान भी नहीं था छोड़ना, और खासतौर पर जो नशे वाली चीजें होती हैं उनके लिए छोड़ना ज़रा मुश्किल होता है। तो शरीयत ने तदरीज से काम लिया, पहले ये आयत नाजिल हुई, सबसे पहले नहीं, हुरमत से मुतालिक सबसे पहले ये आयत नाजिल हुई, जिसमें ये बताया गया कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, इसमें गुनाह है, शराब जो है वो गुनाहों तक ले जाती है, शराब जो है वो बहुत सारी लड़ाई झगड़े फसाद तक के लेकर के जाती है, बहुत सारे गुनाह इंसान से करवाती है, ताकि एक कराहत महसूस करने लगे। जो तो बहुत पाकीज़ा दिल के लोग थे, या बहुत जो है वो फौरी तौर पे उनसे बचने के जिनके अंदर सलाहियत थी, उन्होंने इस आयत के नाजिल होते ही शराब छोड़ दी। मैं बताना ये चाह रहा हूँ ना कि सहाबे किराम ने खुद आकर के पूछा अल्लाह के नबी से, हजरत उमर के बारे में आता है कि उन्होंने बाकायदा दुआ की, अल्लाह बयान शाफिया, अल्लाह ताला साफ साफ हुक्म हमको खमर के बारे में साफ साफ हुक्म बताइए कि वो क्या है। तो पहली आयत नाजिल हुई, फिर हजरत उमर रुके नहीं, फिर भी उन्होंने कहा अल्लाह मबीन फिल खमरी बयान शाफिया, अल्लाह ताला एक शाफी हुक्म साफ साफ हुक्म बता दे कि शराब का मसला क्या है। तो फिर क्या उसके बाद वो आयत नाजिल हुई जिसमें कहा गया कि नमाज की हालत में जब तुम रहो, तो नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत जाओ, वला तकरबु सलाता व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ इस हालत में कि तुम नशे में हो। तो फिर भी हजरत उमर को भी इत्मीनान नहीं, यानी ये हुआ कि भाई ठीक है, पहले बता दिया कि इसके अंदर गुनाह है, इसके अंदर गुनाह की चीज़ें, ये गुनाह तक के लेकर के जाती है, फिर भी कि हराम नहीं किया गया। तो फिर अगले मरहले में क्या किया गया, अगले मरहले में कहा गया नमाज के करीब मत जाओ। अभी क्या हुआ कि भाई नमाज 5 वक्त पढ़नी है, तो दिन में तो पूरा समझ के पाबंदी लग गई कि अब शराब नहीं पी सकते क्योंकि नमाज पढ़नी है, तो बहुत सारे लोग फिर उसमें बचने लगे। फिर जब एक जो है एक मिजाज बन गया शराब के खिलाफ, एक माहौल बन गया, एक जहनीत बना दी गई, और ये समझ में आने लगा लोगों को कि ये बुरी चीज़ है, ये जो नमाज से रोक दे वो कितनी बुरी चीज़ हो सकती है, एक जहन बन गया लोगों का। फिर आखिर में जो है ना अल्लाह ताला फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुन मिन अमरि शैतान, कि अब खमर से जो है ना वो रोक दिया गया। अल्लाह हज़रत उमर ने दुआ की, अल्लाह और वहाँ से हुक्म नाज़िल फरमा तो कहा गया ये गंदगी है, शैतान का अमल है, फजतनीबूहु, अब इससे बच जाओ, शायद अल्लाह तुम पर रहम करे। तो जमन ने कहा इंतहाईना इंतहाईना, अब हमने इसको छोड़ दिया, अब हम रुक गए, हल पहल अंतुम मुंतहून, तुम रुकोगे कि नहीं रुकोगे, फरमाया इंतहाईना इंतहाईना, हम अब रुक गए, हम रुक गए। मैंने बताना ही चाह रहा हूँ ना कि सहाबा की तरबियत अल्लाह के नबी ने सीखी थी, जहन साजी सीखी थी, कि हुरमत हुक्म नाजिल होने से पहले ही ये चीज़ खटकने लगी थी उनको, जो माशरे में राइज थी। भाई आज के दौर में तहकीकात हो गई है शराब के बारे में, पता है कि वो सेहत को नुकसान पहुंचाती है, तजर्बा हो गया इंसानों का, पर वो माशरा ऐसा माशरा था जिसमें शराब पीना बुरा समझा जाता, मजली से बैठती थी शराब की। अभी हम पढ़ते हैं ना वो हदीसें जिनमें कि भाई सहाबे किराम बैठे हैं और शराब का दौर चल रहा है, सर जाना शराब पिला रहे, तो हमको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अभी हमारे जहन में यानी इस्लाम के आने के बाद शराब की हुरमत बहुत वाजे हो गई,
वरना आप एक वेस्टर्न कल्चर में अभी भी देखिए ना कि बाप बेटे बैठ करके जो है ना बियर पी रहे हैं, मैदान में जो है वो बियर खोल करके बोतल उसको उड़ाई जा रही है, और उसको कोई, हमारे यहाँ मराठियों में आप देखिए कि माँ बहन बेटी सब मिल करके शराब पी रहे होते हैं, पंजाबियों में आप देखिए कल्चर कैसा है ना। तो इस्लाम ने, लेकिन इतना बड़ा कारनामा था इस्लाम का ना कि इस्लाम ने शराब को बुरी चीज बना दिया, यानी शराबी और जुआरी काली समझा जाने लगा हमारे माशरे के अंदर। ये इस्लाम का काम था, ये काम किसी सोसाइटी में कभी नहीं हुआ जो इस्लाम ने किया, कि शराब को एक बुरी चीज बना करके पेश किया। और वो सहाबे कराम की तबीयत सहन साजी इसी भी ना कि शुरू में उनको लगने लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसका कोई हुक्म होना चाहिए, हलाल कैसे है, उनको समझ में आ रहा था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो अल्लाह इसको हराम क्यों नहीं करता। तो आगे खुद अल्लाह के नबी से पूछा, ये सलू ना कान खम, भाई शराब का क्या हुक्म है, जुबे का क्या हुक्म है, कुल अल्लाह के नबी से कह दीजिए, फीही मा इस्मुन कबीर, इसमें बड़ा गुनाह है, व मुनाफिउ लिन्नास, और लोगों के लिए फायदे भी है। तो गुनाह बड़ा है, मतलब कि ये फी नफसी गुनाह नहीं है, अगर इसको फी नफसी ही गुनाह कह दिया गया होता कि ये जो है ये खुद शराब पीना गुनाह है, तब तो जाहिर सी बात है वो उसी वक्त हराम हो गई होती, पर का फी ही मा इफ्मुन कभी, इसमें है मतलब ये चीज इंसान को दूसरे गुनाहों तक ले जाती है, गुनाह तक के लेके जाती है, नाफरमानी, ये खुद तो पीना गुनाह नहीं है लेकिन ये गुनाहों तक ले जाती है। अगर ये कह दिया गया होता ना कि इसका पीना गुनाह है, इनका जो है वो यूज करना गुनाह है, तब तो जाहिर सी बात है कि इस आयत की वजह से ही शराब हराम हो गई होती थी, पर ये नहीं कहा कि इसका पीना गुनाह है, कहा कि इसमें गुनाह है, मतलब ये चीज लोगों को गुनाह तक लेकर के जाती है, जुआ इंसान को गुनाह तक लेकर के जाता है, शराब इंसान को गुनाह तक लेके जाती है। तो सहाबे कराम में एक तबका ऐसा था जो इस आयत के नुज़ूल के बाद ही रुक गया कि भाई गुनाह तक ले जाती है, तो गुनाह से बचना है तो इनसे बचना पड़ेगा। बाज ने सोचा कि ठीक है, हम शराब इतनी पियेंगे कि गुनाह के हद तक ना जाए, हम अपने होश हवास कायम रहे हमारे। तो बहरहाल कहा गया इसमें गुनाह भी है, कबीर बड़ा गुनाह है, वह मुनाफिउ लिन्नास, और इसमें लोगों के लिए फायदे भी हैं। अच्छा ये नहीं कहा इस्म वाहिद लाए और मुनाफे जमा लेकर के आ रहे हैं, यानी गुनाह गरचे की है हाँ और बड़ा है, लेकिन और मुनाफिउ लिन्नास और लोगों के लिए फायदे बहुत ज्यादा है। तो किसी चीज में फायदा होना, ऐसे दुनिया में अल्लाह ने कोई चीज ऐसी पैदा नहीं की जो फायदे से बिल्कुल खाली है, इवन जो बदतरीन चीजें भी होती हैं गुनाह की, उनमें भी कुछ ना कुछ फायदा होता है, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेकर के जाती है तो वो हराम, अल्लाह ताला ने मना किया हो। तो इसमें कुछ लोगों के लिए मुनाफे भी, क्या क्या नफा है, मैं इंशाअल्लाह चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो कमेंट में आप लोग बताएं कि क्या इसके अंदर शराब और जुए में क्या फायदा हो सकता है। मैं एक एक मैं इशारा कर देता हूँ और आप लोग अपनी तरफ से भी बताएं। असल में ये जो कहा गया ना कि लोगों के लिए मुनाफे हैं, इसमें मसला ये है कि अरबों के कल्चर के पस मंजर में बात कही जा रही है। असल जो मुनाफे की बात हो रही है ना, वो जो अरबों का कल्चर था उसमें शराब के ऐसे फवायद थे जो हमारे दौर में नहीं, कि शराब का ऐसा मसला था कि अरब के लोग ये समझते थे कि हमको अगर अपना पैसा लुटाना है गरीबों में, सखावत दिखानी है, तो हम नशे की हालत में होते हैं तो हम ज्यादा सखी बन जाते हैं, जो कमाते हैं, यानी क्या करते थे, शराब पीते थे और जुआ खेलते थे, और जुए में जो जीतते थे सब सदका कर देते थे। इसलिए शराब के नामों में से जो अंगूर को जो है ना करम भी कहा जाता है, अरबी जबान में अंगूर को करम भी कहा जाता है, करम का मतलब होता है सखावत। तो एक अरबों का एक खास मिजाज था कि उनको पैसा खर्च करना है, अगर हम होश की हालत में रहेंगे तो अपना पैसा नहीं लुटा पाएंगे तो हम शराब पी लेते हैं, और फिर बदहोश होकर के अपना पैसा लुटा ले जाते हैं। आमतौर पर आप देखते हैं ना कि शराबी जो है वो पैसा खर्च करते हैं, वो बियर बार में जाते हैं और जो डांस गर्ल होती है उन पर भी पैसा लुटा देता है, आदमी नशे की हालत में पैसे की वैल्यू उतनी नहीं समझता, वो लुटाता चला जाता है। तो उनको भी ये लगता था कि हमको गरीबों पे खर्च करना है, और अगर हम जो है वो नशे की हालत में होते हैं तो हमको खर्च करने में आसानी होती है, और जुआ भी आमतौर पे वो जो खेलते थे, वो जो जुए से पैसा कमाते थे वो सब गरीबों में बांट देते थे। तो एक उनके कल्चर की वजह से एक जो है वो फायदा था, नफा था उसका कल्चर का। फिर ये दुनिया में, और जैसे शराब के कारोबार में नफा हो सकता है किसी के लिए, कि शराब का कारोबार कर रहे हैं तो उसमें नफा है, सेहत के एतबार से कुछ फायदा हो सकता है, जैसे जो ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको गर्मी हासिल करने के लिए और जो है वो शराब जो है फायदेमंद होती है, वाइन वगैरह पीते हैं बहुत गर्मी में, उनका बीपी जो है उससे बराबर रहता है, और कुछ उसकी सेहत के और भी दूसरे कुछ फायदे हो सकते हैं, हो सकता है कि शराब में कोई सेहत का कोई किसी खास किस्म की शराब में सेहत का कोई फायदा भी मौजूद हो, वक्ती तौर पर लज्जत मिलती है, ये भी एक फायदा है कि आदमी उसका टेस्ट जो है वो उससे, और शराब जो है वो वक्ती तौर पर इंसान के गम को फिक्र को दूर कर देती है, और सारी नशावर चीज़ें जो है वो इंसान अपनी जो दुनिया की परेशानियाँ होती हैं उनको लगता है कि मैं शराब पी ली तो वो दुनिया की परेशानियों वो गम को भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, वक्ती तौर पर सही, लेकिन वक्ती तौर पर उसको दुनिया की गम से परेशानियों से वो दूर कर देती है। ऐसे कुछ फ़ायदे हैं
यानी किसी चीज के हराम होने का मतलब नहीं कि उसके अंदर सिरे से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उसका नुकसान उसके फायदे से बड़ा होगा। पर यह नुकसान की बात नहीं है। देखिए मुनाफे की जिद जो है ना वो दरर आनी चाहिए, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इसमें दरर ज्यादा, अल्लाह ने फरमाया इस्म है इसके अंदर, ये बड़ा गुनाह है, यानी ये गुनाहों तक लेकर के जाती है, अल्लाह की नाफरमानी तक लेकर के जाती है। तो जो चीज़ अल्लाह की नाफरमानी वाली हो उसमें फायदे कितने भी हो फिर फायदे देखे ही नहीं जाते। अगर अल्लाह ने उसको हराम कर दिया है तो फिर फायदे काउंट ही नहीं होते, बस अल्लाह ने मना कर दिया मना कर दिया। किसी चीज का हराम होना अपने आप में उसे बुझ जाने के लिए, एक ईमान वाले बंदे के लिए काफी काफी अप्रोच होना चाहिए, उसको कोई और जो है ना वजह की जरूरत ही नहीं रह जाती अगर उसको ये साबित हो गया कि अल्लाह ने मना फरमाया है। बस गुनाह है, नाफरमानी काफी है, चाहे उसके अंदर लाख नफे हो पर अल्लाह ने तो मना फरमाया ना, बस खत्म मसला। इसलिए मैं बार बार ये जो नशे की बात जब भी होती है ना तो हम ये बार बार कहते हैं कि भाई एक जो नशे से तो दुनिया वाले रोकते हैं, हिंदू भी रोक रहा है, ईसाई भी रोक रहा है, यहूदी भी रोक रहा है, जो इवन जो नशा बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी रोक रही हैं, सिगरेट बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी नीचे लिख देती हैं कि स्मोकिंग, और तम्बाकू बनाने वाले लिख देते हैं तम्बाकू कॉजेस कैंसर, सब कोई रोक रहा है, जो बना रहे वो भी रोक रहे हैं। पर एक मुसलमान के लिए जो अप्रोच है वो एक अलग मुसलमान का अप्रोच होना चाहिए ना, अभी काफिर का अप्रोच ये कि तुम्हारे सेहत को नुकसान पहुंचाती है, मुसलमान का अप्रोच ये है इन चीजों के बारे में इनसे रोकने के लिए कि तुम्हारे दीन को नुकसान पहुंचाती है। तो जो तुम्हारे दीन को नुकसान पहुंचाने वाली हो उसमें कितना ही फायदा क्यों ना हो उसे तुमको रुक जाना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि इनका जरर ज्यादा है, यानी आमतौर पर तर्जमा करने वाले तफसीर करने वाले जो है ना वो इस्म की तशरीह करते हैं तो नुकसान बताते हैं, भाई नुकसान अपनी जगह पर है और बिला शुबा इसमें नुकसान है, और बिला शुबा अल्लाह ने हराम किया है तो नुकसान ज्यादा इसी वजह से हराम किया है, पर यहाँ नुकसान का हवाला नहीं दिया गया, इस्म का हवाला दिया गया, और इस्म का मतलब होता है गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी। तो जो चीज अल्लाह की नाफरमानी में लेकर के जाए मुमकिन है कि उसका फायदा बहुत ज्यादा है, मुमकिन है कि तुमको उसका कोई भी नुकसान ना पता हो, कोई नुकसान नहीं पता, अभी शराब में क्या नुकसान है, फायदे फायदे बहुत सारे पता है, पर इतना तो पता है ना कि अल्लाह ने मना किया है। ईमान वाले बंदे के लिए इतना काफी है किसी चीज से रुकने के लिए कि अल्लाह ने उससे मना फरमाया और कोई वजह उसके पास ना हो, कोई नुकसान उसको दुनिया का नहीं पता है, बस इतना पता है कि अल्लाह ने मना फरमाया और फायदे बहुत सारे पता है, तो क्या इतना काफी नहीं है किसी चीज से रुकने के लिए कि अल्लाह ने उसको हराम किया है। तो फरमाया इस्मुहु फीहिमा इस्मुन कबीरु व मनाफिउ लिन्नास, इसमें बड़ा गुनाह है थोड़े बहुत फायदे भी है, लोगों को फायदे अपनी जगह पर है, किसी चीज में भी जब जरर आगे बढ़ जाए मुनाफे से, अल्लाह ने मना किया इसका मतलब जरर है, बहुत सारा जरर है। तो अल्लाह ताला ने पहले मरहले में ये बात बताई कि गुनाह तक ले जाने वाली चीजें वो इस्महुमा अकबर मिन नफईहिमा, और इन दोनों का जो इस्म है गुनाह है वो इनके नफा से बड़ा है। यही मामला जुए का भी है कि जुए में कुछ फायदा हो सकता है कि एक आदमी को तो फायदा होता ही है, तो जुआ जीत जाता है उसको बहुत फायदा होता है, बाकी लोगों को अच्छे नुकसान हो रहा हो, पर एक आदमी के फायदे के बदले में नुकसान कितने लोगों का हो रहा है, लाखों करोड़ों लोग, एक आदमी की लॉटरी लग गई उसका फायदा हो गया, बाकी लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान। हाँ तो ये बात है फरमाया कि ये इसमें इस्म तो है, इसमें नफा तो है, पर इनका नफा इनके नुकसान से, इनके गुनाह से छोटा है, इनका गुनाह इनके नफा से बड़ा है। तो लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि हर वो चीज़ जो खमर है, अब वो खमर जो है जरूरी नहीं कि वो जैसे बाज़ आनाफ ने कहा कि भाई बस वो अंगूर से निकलने वाली जो शराब है वही बस खमर है, उसके अलावा जो भी है वो खमर नहीं है और उसमें शराब पे इतलाक नहीं होगा, पर हर वो चीज़ जो नशा आवर है शरीयत ने उसको हराम करार दिया और वो खमर है। इसलिए फिर मैं कुल मुस्किन हराम, हर नशा आवर चीज़ हराम है। फिर मैं मा असकर कफीर हो फकलीर हो हराम, जिसकी ज्यादा मिकदार नशा आवर हो उसका कम भी क्या है वो हराम है। और अब वो किसी भी जो है ना वो जरूरी नहीं कि ये खबर जो है वो पीने वाली हो, वो पीने वाली भी हो सकती है, ड्रग्स की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं जिनमें आदमी उसका आदि हो जाता है, उसको नशा आता है, उस तरह की लज्जत महसूस करता है, अलग अलग तरह के ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स गोलियों की शक्ल में खाए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन की शक्ल में लिए जाते हैं, कुछ सूंघने के लिए होते हैं, नाक के जरिए से कुछ पाउडर्स लिए जाते हैं, तो उसकी बहुत सारी शक्लें ड्रग्स की हुई हैं, ड्रग्स की जितनी भी शक्लें हैं वो सबकी सब खबर में शामिल हैं, तम्बाकू और उससे बनने वाली चीज़ें ये सारी की सारी चीज़ें ये भी इसमें शामिल हैं। असल में हमारा दीन एक पाक दीन है, शराब जैसी चीज हमारे दीन में हलाल भी कैसे हो सकती है, सहाबा ने जो सवाल किया ना उस सवाल के पीछे मकसद ही ये था कि भाई शराब और शराबी को देख करके समझ में आता है कि यार ये ऐसी फजूल और खबीस चीज है, ये एक पाकिजा दीन में हलाल नहीं होनी चाहिए। तो जो तबीयतें पाकिजा है ना वो खुद समझ जाती है, जैसे जो मकान इबास सहाबा वो पहले से ही शराब नहीं पीते थे,
शरीयत हुक्म नहीं नाजिल हुआ था, वो इस्लाम भी नहीं जो है आया था अरब में, बेसत नहीं हुई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब से जो है ना वो शराब नहीं पीते थे। क्योंकि जो पाकीज़ा तबीयत के लोग हैं वो समझ जाएंगे शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं, जुआ कोई अच्छी चीज़ नहीं। एक बंदे को हला करके उसका नुकसान करके अगर मैं अपना फ़ायदा भी कर लूँ तो कोई शरीफ आदमी को लगेगा ये अच्छी चीज़ है कि मैंने अपने दोस्त के साथ जुआ खेला तो उसका 1 लाख का नुकसान हो गया, मुझे 2 लाख मिल गया, ठीक है मेरा 2 लाख, लेकिन सामने वाले को तो नुकसान हो गया ना, उसका नुकसान करके मैं अपना फायदा करूँ तो अच्छी चीज़ तो बज़ाहिर अच्छी चीज़ नहीं लग रही, समझ में आ रही कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो तबीयत अगर आप जो है ना शरीयत के आकाम को देखेंगे तो शरीयत को जो उसूली चीज़ है भाई, शरीयत जो है वो आती ही है पाकिजगी को, पाकिज यानी पाकिजा चीज़ों को हलाल करने के लिए शरीयत आई है। अल्लाह ने फरमाया अल्यौमा अहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात, आज के दिन पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई, शरीयत पाकिजा चीज़ों को हलाल करती है। युहर्रिमु अलैकुम युहिल्लु लकुम अत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैकुम अल-खबाइस, अल्लाह के नबी तुम्हारे लिए पाक चीज़ों को हलाल करा देते हैं और खबीस चीज़ों को हराम करा देते हैं। शराब देख करके समझ में आता है कि ये खबीस, शराबी को देख करके समझ में आता है कि ये खबीस होना चाहिए, शराब पिया है अच्छा खासा किसी घर का लड़का है और शराब के नशे में धुत है, किसी नाली पे पड़ा हुआ है। फिर मैं तो ये देखा हूँ कि लड़कियाँ जो है वो नशे में धुत हैं और कोई लड़के सहारा दे करके जा रहे हैं, बार मतलब देखने में नकाब वाली लड़की नशे में धुत है और जो है वो पुलिस स्टेशन को उठा करके ले करके जा रहे हैं। तो शराब कोई अच्छी चीज़ तो नहीं भाई, शराब के खबीस होने के ये काफ़ी, आप देखिए ना कि इंसान की अक्ल ऐसी चीज़ है जो इंसान को जानवर से मुमताज़ करती है, और शराब क्या करती है इंसान की अक्ल को माउफ कर देती है, उसकी अक्ल ख़राब कर देती है। जब अक्ल इंसान से छीन ली जाए तो इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क बाकी नहीं बचता, इंसान जो है वो जानवर बन जाता है। या शराबी का होता है, शराबी जो है वो किसी जानवर से कमतर नहीं होता है, वो जानवर ही के दर्जे पर चला जाता है शराब पी करके। तो शराब जैसी चीज़ या जितनी भी चीज़ें जो नशा आवर होती हैं वो हमारी तबीयत ही जानती कि वो खबीत है ना, तम्बाकू है, तम्बाकू से करने वाली चीज़ें हैं, सिगरेट हैं, गुटखा खाने वाले लोग हैं, गुल करने वाले हैं, पान खाने वाले हैं, आप जो खाने पीने वाले हैं इस तरह की चीज़ों को वो भी ये जानते कि ये खबीस है ना। सिगरेट पीने वाले को नहीं पता कि सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है, दुनिया में कोई इंसान ये समझता है कि सिगरेट अच्छी चीज़ है। भाई आप ये देखिए कि आप जो खाते हैं आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को भी खिलाएं, होता तो यही है कि अगर आप जो है वो घर पे जाते हैं तो अपने लिए आप सेब लेते हैं तो बच्चों के लिए अपनी बीवी के लिए भी 1 किलो 1.5 किलो सेब लेकर के जाते हैं, अंगूर ले जाते हैं, अनार ले जाते हैं, अभी आम का सीजन आ रहा है, आम इंशाल्लाह लेकर के जाएंगे आप लोग। तो जो चीज़ इंसान खुद खाता है अपने बच्चों को भी खिलाता है, बल्कि अकेले खा ले तो उसको अफसोस होता है कि यार मैं अकेले खा रहा हूँ, मेरे बच्चे नहीं खा रहे, मेरी बीवी नहीं खा रही। बस सिगरेट पीने वाला ऐसा नहीं होता है ना कि एक डिब्बी अपने लिए खरीदा तो एक डिब्बी अपने बच्चे के लिए भी खरीद लिया, तो मैं अपने बेटे को भी पिलाऊंगा सिगरेट, नहीं खरीद रहा है भाई, पाक चीज़ नहीं है ना, उसको पता है कि ये चीज़ खबीस है तभी तो नहीं खरीद रहा है ना। अगर वो कोई पाक और अच्छी चीज़ होती तो वो जैसे अपने लिए खरीद रहा है अपने बच्चे के लिए भी खरीदता, अपनी बीवी के लिए भी लेकर के जाता सिगरेट। हाँ उनको तो हमको शादी से पहले पता चल जाए कि ये औरत सिगरेट पीते तो उसे शादी ही ना करे, अच्छी चीज़ नहीं है ना, खबीस चीज़ है, हमको भी पता है कि खबीस है तभी तो हम नहीं उसको पसंद करते, अपने बच्चों के लिए नहीं पसंद करते, अपनी बीवी के लिए पसंद नहीं करते, खुद पी रहे पर पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, खबीस चीज़ है। तो जो चीज़ खबीस हो वो शरीयत में नहीं, लोग बहस करते हैं अरे नहीं सिगरेट मकरूह है, हराम नहीं है, ऐसा नहीं वैसा। हाँ भाई अगर वो अगर कोई बुरी चीज़ नहीं है तो फिर अपने बच्चे को भी पिलाओ साथ में बिठा करके, अपनी बीवी को भी पिलाओ, हाँ एक कश लेकर के दो बीवी को, फिर वो भी एक कश ले, नहीं आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बीवी आपके बच्चे सिगरेट पीते, क्योंकि बुरी चीज़ है। आदमी जो जो जिस चीज़ की खबासत को इंसान की तबीयत महसूस करे शरीयत में वो हराम होती है। तो कोई कॉकरोच बोले क्यों हराम है, भाई अल्लाह ताला ने हमारी तबीयत पे रखी, कॉकरोच एक खबीस कीड़ा है ना, तो उसकी खबासत इंसान की तबीयत महसूस करती है। तो सिगरेट पान तम्बाकू बीड़ी खाने वाले उनका मामला भी देखिए ना कि वो जैसे मस्जिद है, मस्जिद पाकीज़ा चीज़ है, तो वहाँ पर अगर कोई आदमी को सिगरेट पान बीड़ी तम्बाकू नहीं खाता इंसान, वहाँ बिरयानी खा लेगा, वहाँ कोफ्ते खा लेगा, वहाँ जो है वो सीख पराठा खा लेगा, क्योंकि वो तय्यब जगह, तय्यब जगह पर तय्यब चीज़ें खाई जा सकती हैं। पर मस्जिद में बैठ के कोई सिगरेट नहीं पीता, पान नहीं खाता, तम्बाकू नहीं खाता, गुटखे नहीं खाता, क्योंकि पता है कि ये खबीस चीज़ें मस्जिद जैसी पाकीज़ा जगह पर खबीस चीज़ें नहीं खाई जाए, और बैतुलखला में तय्यब चीज़ें नहीं खाएगा, कोई आला से आला दिल्ली दरबार की बिरयानी कोई दे दे बैतुलखला में बैठ के तो नहीं खाएगा, क्योंकि खबीस जगहों पर पाक चीज़ें खाई जाती हैं। पर जो सिगरेट पान तम्बाकू खाने वाले होते हैं उनकी सबसे पाकीज़ा, सबसे महबूब जगह जो है बैतुलखला होती है, वहाँ पे बैठ कर के सिगरेट पी रहे होते हैं, बीड़ी पी रहे होते हैं, गुटखा खा रहे होते हैं, उनको पता है कि ये चीज़ें खबीस हैं, तो खबीस जगहों पर खाने से तबीयत तबाह नहीं करती, तबीयत इनकार नहीं करती। तो इंसान की तबीयत में बात पता है कि ये चीज़ें खबीस हैं, सहाबा को भी लगा कि इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए आके अल्लाह के नबी से पूछा
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है, इसका हुक्म क्या है, ये हम इस्लाम लाने के बाद भी क्या ये चीज़ें खा सकते हैं, पर अगर मना कर दिया जाता तो मुशक्क़त हो जाती इन लोगों को जो शिद्दत से आदी थे। तो आदतें आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाई जाती हैं, हमारी शरीयत का हुस्न ही हमारी शरीयत में तदरीज पाई जाती है, मरहला वार जो है वो चीज़ों को हराम किया जाता है। ये अल्लाह ताला की रहमत है हम पर। हाँ, अगर अल्लाह फरमाया बोलो शाह अल्लाह लाना तक, अल्लाह चाहता तो तुमको मशक्क़त में डाल सकता था, पर अल्लाह तुमको मशक्क़त में नहीं डालना चाहता, मुश्किल में नहीं डालना चाहता, तो अल्लाह ताला ने आसानी की है कि चीज़ों को मरहला वार मतलब एक एक करके हराम किया। इस खमर के बारे में जान लेगी, चार तरह की आयतें खमर के बारे में, शराब के बारे में नाजिल हुई। पहली आयत नाजिल हुई ये वाली सूरह नहल की आयत नंबर 67, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो है वो खजूर के पेड़ पैदा किए हैं, खजूर का फल बनाया पैदा किया है, और शराब भी बनाया है जिससे तुम नशे नशा आवर चीज़ों को हासिल करते हो, शराब बनाते हो। तो सूरह नहल की आयत नंबर 67 है। तो ये पहली आयत थी जिसमें उसको हलाली किया गया, इबाहत का हुक्म है। फिर दूसरी आयत ये है जिसमें कहा गया कि इसके अंदर कुछ गुनाह। फिर तीसरी आयत वो है जिसमें कहा गया कि नमाज के करीब मत जाओ, सूरह निसा की आयत नंबर 43, इसमें कहा गया नशी की आदत में नमाज के करीब नहीं जाना। और चौथी आयत सूरह मैदा की आयत नंबर 90 है, जिसमें फाइनली मना कर दिया गया या तभी नामी, यानी इनको नापाक शैतान का अमल, और कहा गया तो इससे रुकने वाले सख्ती से मना कर देगी कि अब भी रुकोगे कि नहीं रुकोगे इससे। तो ये चार आयतें शराब के बारे में नाजिल हुई। चौथी आयत जो है वो सूरह मैदा की है, सूरह मैदा मदीना के आखिरी दौर में नाजिल हुई, फतह मक्का के बाद नाजिल हुई। इसलिए सूरह मैदा के बारे में कहा जाता है कि सूरह मैदा के कोई भी हुक्म नहीं है जो मनसूख हुआ, क्योंकि सारे अहकाम बिल्कुल आखिरी में नाजिल हुए। सूरत अहकाम में से जो अहकाम वाली सूरत है उसमें सूरह मैदा सबसे आखिरी सूरत है। बहरहाल, तो शराब में बहुत सारे नुकसान भी हैं। जो इस मुहिमा कहा कि इनका गुनाह है, तो इस गुनाह से मुराद ये भी है कि शराब के नुकसान की, भाई शराब का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है जो अल्लाह ने फरमाया, इस मुहिमा ये गुनाह है। गुनाह यानी ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहुल खमरा व शारिबहा व साकियहा व बाईहा व मुक्ताहा व आसिरहा व मुतसिरहा व हामिलहा व महमूलत इलैही। ये वो दाऊद की रिवायत है, शेख अल्बानी ने उसको सही कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खमर पर अल्लाह की लानत है, शराब पर अल्लाह की लानत है, शादी बहा उसके पीने वाले पर अल्लाह की लानत है, वसाक यहा उसके पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है, बाई यहा उसके बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, मुक्ता उसके खरीदने वाले पर अल्लाह की लानत है, आसी रहा उसके निचोड़ने वाले पर अल्लाह की लानत है, मुतसी रहा इसके लिए निचोड़ा जा रहा है उस पर लानत है, हामी रहा जो उसको उठाने वाला है उस पर अल्लाह की लानत है, और जो इसके लिए उसको उठाया जा रहा है उस पर भी अल्लाह ताला की लानत है। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि भाई अल्लाह ताला ने इसको हराम कर दिया, मलरून कर दिया, लानत ज़दा है ये चीज़ें। और खमर में मुराद वो सारी चीज़ें आ गई, तम्बाकू भी, सारे किस्म के जो लिए जाते हैं वो सब आ गए इसके अंदर, ड्रग्स भी आ गए, यानी इस पर अल्लाह ताला की लानत है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जब लानत आ गई तो उसके बाद आदमी फ़ायदा थोड़ी गिनवाता है कि इसमें ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, फला फला फ़ायदा है। एक बार लानत आ गई बात ख़त्म हो गई। एक हदीस के अंदर जो इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुद्दमिन खमरी काबिदी वसने, कि शराब का पीने वाला ये जो है वो आबिद वसन यानी बुत परस्त की तरह। एक मिनट में ये हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुद्मिन खमरी का आबिद वसन, कि शराब का पीने वाला ऐसे ही है जैसे बुत की पूजा करने वाला। ये इब्ने माजा की रिवायत है 3375। तो इससे भी पता चलता है यानी बुत की पूजा करने वाले के दर्जे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रखा है, इतना बड़ा गुनाह बताया। और इसी तरह से एक हदीस के अंदर आता है, फरमाया ला यदखुलुल जन्नता मुद्मिन खमर, शराब को पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जो शख्स शराब नोशी का आदि हो वो जन्नत में नहीं जाएगा, यानी पहले बहाला में जन्नत में नहीं जाएगा, उसको उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी, उसके बाद ही वो जन्नत में जा सकेगा, और पता नहीं वो सजा कितनी लंबी होगी। तो पहला नुकसान शराब का तो यही है कि शराब जो है वो शराब और उससे मुतालिक जो सारी चीज़ें, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी। ईमान वाले के ईमान वाला बंदा अगर बचना चाहे तो उसके लिए ये दलील काफ़ी है कि क्योंकि इससे अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, इस वजह से ही मैं इससे बच जाऊँ। फिर उसके बाद दूसरे नुकसान अलग, अगर ये नुकसान नहीं भी हमको पता होते तो हमको तो इतना काफ़ी था कि अल्लाह ताला ने मना किया, पर उसके नुकसान नहीं। भाई जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मना किया था कि फला पेड़ से नहीं खाना, तो काफ़ी खाना, उसका नुकसान ये होगी जन्नत से निकाल दिया गया, पर वो नुकसान नहीं भी होता तो मना रुकने के लिए इतनी बात काफ़ी होनी चाहिए थी।
कि भाई अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं खाने पीने की, तो अगर कुछ चीज़ों से अल्लाह रोक दे रहा है, चलो हमको नहीं पता कोई नुकसान, या मान लो कि हमको पता कि बहुत फ़ायदा है, पर जिस अल्लाह ने खाने पीने की इतनी हलाल चीज़ें दी हैं, वो अगर कुछ चीज़ों से रोक रहा है, तो हमको क्या हर्ज है मगर ना रुक जाए, तो रुक जाना चाहिए हमको। तो पहले ये है, पहला अप्रोच है कि भाई ये नाफरमानी है अल्लाह, फिर उसके बाद इसके में जो सेहत के नुकसान होते हैं, मतलब एक मेरे पास एक कुछ मैंने उसके डाटा जमा किए हैं कि द हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल रिजल्ट्स इन 3.3 मिलियन डेथ्स ईच ईयर, कि शराब के जो शराब की वजह से जो नुकसान होते हैं वो हर साल 3.3 मिलियन 35 लाख लोगों की मौत जो है ना वो सिर्फ जो है अल्कोहल पीने की वजह से होती है, शराब पीने की वजह से होती है। वन इंडियन डाइज एवरी 69 मिनट्स ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन, में ये भी जो है ना वो चीजें मैंने जमा की थी, वो ऐसे करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए हर जो है ना एक इंडियन हर 96 मिनट पर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से उसकी मौत होती है, फेफड़े खराब होने की वजह, यानी ये जो बीमारियों से मौत हो रही है वो हादसात से जो मौत हो रही है वो इंशाल्लाह आगे आएगी। सिर्फ बीड़ी पीने की वजह से 2011 में 5.8 लाख लोगों की मौत हुई। तम्बाकू की वजह से हर साल जो है 1 मिलियन लोग सिर्फ इंडिया के अंदर मरते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से 5 में से 1 डेथ होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और तम्बाकू पीने वाले आधे लोग तम्बाकू की वजह से मारे जाते हैं। और तो ये तो एक वो है, फिर उसके बाद हादसा जो होते हैं उसकी वजह से जो नुकसान होते हैं, यानी शराब का एक नुकसान तो ये है कि जो सेहत पर वो नुकसान डालती है, फिर जो हादसा होते हैं, यानी कहा गया कि रोड एक्सीडेंट में इंडिया के अंदर 70% जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह क्या होती है, ड्रंकिंग ड्राइव, यानी शराब पी करके लोग गाड़ी चला रहे होते हैं और उसकी वजह से हादसा के शिकार होते हैं। 70% ऑफ जो लाशों को ड्राइवर्स का जब जो है ना टेस्ट किया गया एक्सीडेंट के बाद तो पता चला कि वो नशे में, रोड एक्सीडेंट में हर साल 1.34 लाख हाँ इतने लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में हर साल, और उसमें से 70% जो है वो शराब के नशे में होते हैं। सिर्फ ये अभी रोड एक्सीडेंट की बात हो रही है, बाकी ट्रेनों से जो कट करके मरते हैं, ट्रेनों से गिर करके जो मरते हैं वो एक अलग जो है उसका एक आता दोष। हमारे इंडिया में वैसे भी जो स्टेट्स होते हैं उतना उसको जमा नहीं किया जाता, कहा जाता है कि 1.3 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं हर साल, और इसमें से 7% ये कि 70% जो है वो ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से होते हैं, और तकरीबन आधे ड्राइव जो क्रैश कार क्रैश में जो पकड़े गए जब उनको टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव निकला कि वो ड्रग्स लिए हुए थे या अल्कोहल लिए हुए थे। अमेरिका में 28 लोग रोजाना मौत उनकी होती है ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से। तो ये एक हादसा जो होते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो है वो शराब होती है। तो अगर से इसका नफ़ा है, यानी एक तबका ऐसा है ना जो बार बार शराब का नफा शराब के फायदे बताता है, तो अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसके सामने हम ये अप्रोच रख सकते हैं कि भाई ठीक है अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो कम से कम उसके नुकसान देखो। मुसलमान के लिए तो उसका हराम होना ही काफ़ी है, लेकिन जो मुसलमान नहीं है उसके नुकसान अगर आप देखें तो उसके नुकसान कम नहीं, हादसा जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। फिर जो जराइम होते हैं शराब की वजह से, 85% औरतों के खिलाफ जो जराइम होते हैं वो अल्कोहल की वजह से होते हैं 85%। ये इंडिया की जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसकी तरफ से जो डाटा दिया गया है कि 85 क्राइम्स औरतों के अगेंस्ट जो होते हैं वो शराब की वजह से होते हैं। अजीब बात है कि हमारे यहाँ पे औरतों यानी रेप के जितने भी केसेस आपने मशहूर जितने भी पढ़े अभी इस बीच में जितने भी आए सब में ये कि रेप करने वाले नशे की हालत में, जो रेप भी करते हैं रेप करने के बाद कत्ल भी करते हैं औरतों को, वो सब के सब नशे में होते हैं। पर हमारे यहाँ शराब के खिलाफ कोई उतना बड़ा मुहिम नहीं दिखाई देती, रेप के खिलाफ इतना लोग जो है जागरूक हैं और रैलियाँ निकाली जाती हैं मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, पर शराब के खिलाफ कोई मुहिम दिखना तो बहुत दूर की बात है। ये देखने में आता है कि हुकूमतें सपोर्ट कर रही हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में देखें कोविड में सबसे पहले जो दुकानें खुली वो शराब की दुकानें थी, क्योंकि लंबा टैक्स हुकूमत को मिलता है ना, हुकूमत का अपना टैक्स जो है हुकूमत को देखता है तो लंबा हुकूमत को क्योंकि टैक्स मिल रहा होता है, और जो टैक्स तो ऊपर की चीज़ होती है, ये जो कंपनियां होती हैं शराब की सिगरेट की ये अंडर द टेबल जो है वो हुकूमती अहदेदारों को जो पैसा देती हैं अब करप्शन की वजह से हमारे मुल्क में वो भी अच्छा खासा होता है। तो इसलिए कोई नेता जो है वो शराब के खिलाफ तम्बाकू के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। अब इस बीच में थोड़ा बहुत हिंदुस्तान के अंदर बात है, गुजरात पहले से ड्राई स्टेट था उसके बाद बिहार को ड्राई स्टेट बनाया गया और ये एक अच्छा इकदाम है। हम जब भी बात करें अपने मुल्क और कौम की तो ये सारे इशूज़ भी हमको उठाने चाहिए, ये हमारे भी इशूज़ हैं ना, हमारे मुल्क के जो इशूज़ हैं जो सब लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हमारी आने वाली नस्लों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
तो हमारे इलेक्शन में बच्चे माइनॉरिटी हैं, हमारे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, पर ये इश्यूज जो एक माइनॉरिटी मेजोरिटी हर किसी के इशूज हैं, ये इशूज भी उठाने चाहिए इनको इलेक्शन में, ये मुतालबात भी रखने चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र में भी जो है वो शराब को बैन किया जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए। यानी 85% क्राइम, और ये आप आमतौर पर देखेंगे कि जितने भी रेप के मसले आते हैं, दिल्ली में हुआ, फिर यहाँ पे शक्तिविल में हुआ, जो रेप का एक बहुत बड़ा केस हुआ, सब में ये हुआ कि जितने भी रेपिस्ट जितने भी थे वो सबने सब शराब के नशे में। हाँ, और इसके अलावा जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो वायलेंट क्राइम्स होते हैं, उसमें 40% जो है ना वो शराब के नशे में होते हैं, शराब जो लड़ भी लेते हैं, मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, 40% उसमें जो है रेप और सेक्सुअल असॉल्ट में, 37% रॉबरीज में, 15% लोग जो है वो शराब के नशे में होते हैं। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान बताए जाते हैं भाई, हाँ, और खानदानी लड़ाई झगड़ों में, यानी बहुत सारे घर जो है वो शराब की वजह से तबाह हो गए, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात होते हैं, लड़की की जिंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है, अगर शौहर उसका शराबी हो गया है तो वो मतलब वो जहन्नम जैसी जिंदगी उसकी बना करके रख देता है, तलाक को लाती नौबत आती है, बच्चों में मारपीट होती है, सलाहियतें ज़ाय हो जाती है नशे की वजह से, कितने सारे नौजवान हैं नशे के रास्ते पे चले, सारी सलाहियतें जो माँ बाप ने पैसा कमाया था वो सब खत्म हो गया, शौहर जो है वो शराबी हो गया है, वो बेचारी औरत घर में लोगों के बर्तन मांज मांज करके, कपड़े मांज मांज करके पैसा जमा करती है, और उस शराब के नशे में वो शौहर जो है वो सारे उसके पैसे उड़ा देता है, बच्चे जो है वो माँ बाप को नुकसान पहुँचाते हैं, कत्ल तक की नौबत होती है, ये शराब जो है वो इंसान को कत्ल तक लेकर भी जाता है, बहुत सारे कत्ल के केसेस में होता है कि शराब पिया होता है सामने वाला आदमी और वो फिर वो कत्ल कर देता है, वो जो बहुत मशहूर जेसिका का मर्डर केस हुआ था उसमें भी जो है वो शराब के नशे में डूबता और उसने बोला कि मैं कहीं और मारना चाह रहा था, फिर वो गोली जो है यार जाकर उस मॉडल को लग गई। तो आप देखेंगे कत्ल तक की नौबत आ जाती है शराब की वजह से, पर हमारी हुकूमतें क्योंकि करप्ट हैं, उनको शराब की कंपनियों से और ठेकों से फायदा होता है, तो आमतौर पर इन चीज़ों को इशू नहीं बनाती है, पर हमको इन चीज़ों को इशू बनाना चाहिए। तो नुकसान अपनी जगह पर है, फिर भी मैं वो बात कहूंगा कि नुकसान हम इसलिए बता रहे हैं ताकि एक और वजह मिल जाए आपको शराब से बचने की, नशा और चीज़ों से बचने की, वरना नुकसान नहीं भी होता तो उसका इस्म होना काफ़ी है। अच्छा, बाज रिवायतों में इस्म है और बाज किरातों में इस्मुन कबीरुन है, बाज किरातों में इस्मुन कसीरुन है, कि कसीर है, इसमें बहुत सारा गुना है, बहुत बड़ा भी गुना है और बहुत सारे गुना है, दोनों तरह की किरातें, तो यानी गुना बड़ा भी है और गुना ज़्यादा भी है इसके अंदर। और यही मामला जुए का भी है, जुआ जो है वो बहुत सारी खानदानों को दबा दे कर देता है, यानी जो आदमी जुए का आदी हो जाता है फिर वो प्रोडक्टिविटी उसकी ख़त्म हो जाती है, वो जैसे हम माशरे के अंदर रहते हैं तो हर आदमी क्या करता है, अल्लाह ने इसके अंदर कुछ सलाहियतें रखी हैं, उन सलाहियतों को से समाज को फ़ायदा पहुँचाता है और फिर उसके बदले में पैसा कमाता है, यही होता है ना, जो भी पेशे होते हैं, पेशे क्या होते हैं, पेशे समाज की ज़रूरत होते हैं, फिर उस पेशों के ज़रिए से इंसान जो है वो खुद अपने लिए भी घर चलाता है अपना, एक आदमी इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग के अपने सलाहियत से समाज को फायदा पहुंचा रहा है, फिर उससे अपना उसका घर भी चल रहा है, कोई डॉक्टर है तो वो अपनी तिब्बी खिदमत दे करके अपना समाज को फायदा भी पहुंचा रहा है और फिर वो उससे पैसा भी कमा रहा है। तो दुनिया में जो पेशे होते हैं ना, उन पेशों में क्या होता है, कोई भी पेशा हो, इवन ड्राइवर है, मान लीजिए रिक्शा ड्राइवर है, तो वो भी तो समाज की जरूरत है ना, वो समाज की जरूरत पूरी कर रहा है, अगर वो रिक्शा ड्राइविंग या रिक्शे वाले हड़ताल लगा देते हैं तो कितना मसला हो जाता है हमारे लिए। पेशों में क्या होता है, एक आदमी पैसा कमा रहा है लेकिन सिर्फ अकेले अपना फायदा नहीं हो कर रहा है, वो उस पेशे के जरिए से समाज को भी फायदा पहुंचा रहा है, इवन कोई आदमी गटर भी साफ कर रहा है तो भी तो वो हमारी जरूरत है ना, गटर साफ करना भी हमारी, उससे भी पैसा तो वो कमा ही रहा है लेकिन वो हमारी भी जरूरत है। एक आलिम दीन है, खुतबा दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, तो उससे उनको कुछ वजीफा मिल भी जा रहा है लेकिन उससे उनके इल्म से समाज को फायदा तो हो रहा है ना। जुआ खेलने वाला समाज को क्या फायदा पहुंचा रहा है, जुआ खेलने से कोई समाज को फायदा होता है, बल्कि वो उसके अंदर जो एक इसकी इंटरनल सलाहियतें थी वो उसको जाय कर रहे हैं, जुए के चक्कर में अपनी सलाहियत से समाज को कोई फायदा नहीं उठा रहा पहुंचा रहा और वो बस पैसा लोगों का एक चांस के जरिए से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका नुकसान है, फिर वो एक आदी बन जाता है हमारे मुल्क में। आप देखिए जुए का जैसा प्रचार हो रहा है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ये सूरत हाल कभी नहीं थी जैसी अब बन गई है, खासतौर पर IPL और जितने भी क्रिकेट मैच हो रहे हैं, पहले तो सट्टेबाजी जो है वो मना थी, अब तो बाकायदा जब लोगों ने देखा कि सट्टेबाजी का बाखिर इतना बड़ा है तो उसको लीगलाइज कर दिया गया, ये सट्टेबाजी तो हो रही है, अलग अलग ऐप्स आ गए हैं, ड्रीम इलेवन और कौन कौन से ऐप हैं उनमें जो है बाकायदा सट्टेबाजी हो रही है, अपनी टीम बनाओ और उसके अंदर पैसा कमाओ। अब उसमें क्या होता है, कभी साल में एक दो लोग जीत गए बहुत सारा पैसा, पर उसके पीछे कितने लोग पैसा लगा रहे हैं, कितना अपना पैसा जाया कर रहे हैं, रमी सर्कल्स और ताश की जो खेल हो रहे हैं आजकल, बड़ी बड़ी मैं देख रहा हूँ सेलिब्रिटीज जो है ना उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, नीचे छोटा सा एक एड में ये बोल सकते हैं कि इसकी आदत लग सकती है इसलिए होशियारी से करें, मतलब पता है कि ये चीज़ गलत है ना, तभी तो बाद में आखिर में आपको छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन एक देना पड़ रहा है ना कि इसकी आदत पड़ सकती है, और इसकी आदत पड़ जाती है, पड़ सकती नहीं है, पड़ जाती है इसकी आदत, अच्छा खासा कमाई का पैसा लोग इसमें जाय करते हैं,
तो ये जो आप देखिए कि कितना हमारे माशरे के अंदर ये सब चीजें हमारी इश्यूज हैं, हमको अपने यानी मुसलमान जो है ना, मैं देख रहा हूँ कितना हमारे नौजवान लगे हुए, ये खासतौर पे रमजान का महीना, आईपीएल चल रहा है तो क्रिकेट देख रहे हैं, अपने आप पे गलती है और फिर उसके पीछे वो ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहे हैं और अपना भी पैसा जाया कर रहे हैं, मेहनत का अपने माँ बाप का पैसा जाया कर रहे हैं, और वो बाई चांस हो सकता है चांस मिला तो यानी जो करोड़ों में कोई, 1 लाख में कोई एक आदमी कहीं पे कमा लेता है 1.5 करोड़ रुपया, तो शायद हम भी इसमें शामिल हो जाए। आप सोचिए इन कंपनियों का फायदा कितना ज्यादा होगा, यानी ये कितने लोग पैसा लगा करके अपना पैसा डुबा रहे हैं, तभी तो कंपनी का प्रॉफिट होगा। कंपनी को भी आसमान से तो पैसा नाजिल नहीं हो रहा ना, ये पैसा जो एडवर्टाइजमेंट में सर्व किया जा रहा है ये कहाँ से आ रहा है? यही लोग जो जुए में पैसा लगाते हैं, इन्हीं के पैसे से कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। ये बड़े बड़े हाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है ना, वो जुए वाले जो एप्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कंपनी कितने लोगों का पैसा उठा रही है, कितने लोगों का जो है ना फायदा उठा रही है, कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से जो है बाकायदा जो है उसको बाकायदा एडवर्टाइजमेंट कराए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से, और वो बाकायदा ब्रांड एम्बेसिडर बने हुए हैं जुए के। और मुझको तो ऐसा लगता है कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जुआ, इतना ज्यादा जुआ आम हो गया है, और खासतौर पे पत्तियां जो ताश की पत्तियां होती है उसके कितने सारे गेम्स हो रहे हैं, और कितने नौजवानों में जाता हूँ अपनी जिंदगी इसमें तबाह किए हुए हैं, सारा कारोबार छोड़ करके बस जुआ ही खेल रहे हैं, जुआरी बन गए वो, तो माशरे को जुआरी बनाया जा रहा है, और थोड़ा सा अपने जाती फायदे के लिए मुल्क और हुकूमत के लोगों ने इनको खील दी हुई है। तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे माशरे के, कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले ही इनका हल बता दिया कि अल्लाह तआला की नाफरमानी इसमें इंसानियत के लिए जुआ खेलने वाला। आप सोचिए अगर हमारे मुल्क में सर में जुआरी बन जाए, कोई कुछ कारोबार ही ना करे, जॉब ही ना करे, हर आदमी ये सोचने लगे कि इजी मनी मिल जाती है तो हम चलो जुआ ही खेलते हैं, तो मुल्क तरक्की करेगा? मुल्क तब तरक्की करता है जब हर फर्द अपनी एबिलिटीज को यूज करता है मुल्क की, कौम की, कम्युनिटी की तरक्की देने के लिए। जुआरी के अंदर कौन सी एबिलिटी होती है? वो जुआ खेल करके मुल्क को, कौम को क्या फायदा पहुंचाता है, कि इकॉनमी को क्या फायदा पहुंचाता है? सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं पहुंचाता, तो सोसाइटी के ऊपर बोझ होता है, जुआरी की तरह का बोझ होता है सोसाइटी पर। तो अल्लाह तआला ने फरमाया कि इसमें कोई नफा हो सकता है, लाखों में एक आदमी जीत भी जाता है, उसका फायदा भी हो जाता है, लेकिन इसका नफा जो है वो इसके नुकसान के मुकाबले में बहुत कम है, और इसका सबसे बड़ा गुनाह जो है वो इसका बहुत बड़ा है। अब तो खमर मैसर की बात हुई, फिर फरमाया वैसे अलूना का माता युनफिकून, ये आपसे पूछते हैं खर्च क्या करना है, कुल इलाफ, इनसे कहिए जो जरूरत से जायद है वो खर्च करो, यानी अब तो ये भाई पैसा खर्च नहीं करना है, खमर में खर्च नहीं करना है, शराब में जाय नहीं करना है, जुए में जाय नहीं करना है, तो कहाँ पैसा खर्च करना है फिर? एक यानी हिजरत कराई जा रही है मुसलमानों से, गुनाह से नेकी की तरफ हिजरत। अब तुमने जुआ खेलना छोड़ दिया, अब तुमने शराब पीनी छोड़ दी, अब पैसा तुम्हारा बच रहा है ना जो शराब है, और शराब जो है वो एक्सपेंसिव चीजें होती है, हर जमाने में पीने वाली चीजों में सबसे महंगी चीजें जो है ना वो शराब ही रहती है। आज के दौर में भी इन्हीं ऐसी ऐसी वाइन्स और ऐसे ऐसे शराब मिलते हैं जो लाखों करोड़ों के होते हैं, वो तो अब वो पैसा शराब का भी बच रहा है। अच्छा, वो जो मदीना था, मदीना की इकॉनमी में शराब बेचने वाले जो थे ना वो ज्यादातर यहूदी थे, यानी यहूदियों का सबसे बड़ा कारोबार मदीना के अंदर शराब बेचने का था या फिर सूद का था, तो अब वो तुम्हारा एक बजट जो शराब में जा रहा था वो भी तुम्हारा बच रहा है, जुए जो खेल लेते उससे भी पैसा बच रहा है, तो अब ये उसको, अब ये पैसा एक निगेटिविटी से बाहर निकाल करके फिर पॉजिटिविटी में भी लेकर के आना है, पूरा यूज करना है उसका, इसको एक गलती से निकालो और उसके बाद उसको हिदायत पे लेकर के आओ, उसको अंधेरों से निकालो तो रोशनी की तरफ लेकर के आओ। अल्लाह वलीन आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, अल्लाह ईमान वालों का वली है, उनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर के आता है। तो पहले शराब से निकाला गया, जुए से निकाला गया, अब निकाल के बाद उसको हिजरत कराई जा रही है, ये हिजरत है, हाँ, गुनाह से नेकी की तरफ हिजरत। तो अब ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ नहीं खर्च करना है तो खर्च कहाँ करना है? जस अलूना का माद युनफिकून कुल इलाफ, ये आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, इनसे कहिए अलाफ, जो तुम्हारी जरूरत से जाहिर है, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे पर अल्लाह ने पैसा दिया है, पहले अपनी जात पे खर्च करो, और पैसा है अपने माँ बाप पे खर्च करो, और पैसा है अपनी बीवी पे खर्च करो, अपने बाल बच्चों पे खर्च करो, ये तुम्हारे माल के पहले मुस्तहिक ये लोग हैं, इसलिए पहले इनका जिक्र आया ना, कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिलवालिदैन वलअक्रबीन, पहले इनका जिक्र आया कि रिश्तेदारों पे खर्च करो, और फिर ये कि जो अब इनसे जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं वो अदा करने के बाद भी तुम्हारे पास माल बच रहा है, फिर तुम जो है वो खर्च करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी जरूरत को मार करके खर्च करने का हुक्म दिया तुमको। हाँ, सहाबा थे ऐसे कि वो अपनी जरूरत मान करके खर्च कर देते, पर वो तकवा है, हुक्म नहीं है वो। हाँ, यानी आप सोचिए इससे भी सहाबा की गजमत समझ में आती है ना, उनसे ये नहीं कहा गया था कि खुद भूखे रह करके दूसरों को खिलाना है, उनसे कहा गया था अपना पेट भरो, अपने बाल बच्चों का पेट भरो, फिर उसके बाद अगर जरूरत से बचता है ज्यादा तो फिर तुमको दूसरे को देना है, पर सहाबा में तकवा इतना था ना कि उन्होंने अपनी जरूरत मार करके दूसरों का पेट भरा, खुद भूखे रह करके दूसरों को खिलाया। हाँ,
कैसे है, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि दूसरों को अपने ऊपर उनको इसार का हुक्म नहीं दिया गया था कि तुमको अपने की कुर्बानी देनी है, कहा गया था अपने पर खर्च करने के बाद जो बच रहा है उसको खर्च करना है, पर सहाबा का तकवा ऐसा था ना कि उन्होंने जो कहा उससे ज्यादा करके दिखाया। कि सहाबा की अजमत इस आयत से हमको समझ में आती है कि उनसे कहा गया था बस जो जरूरत से ज्यादा है वो खर्च करो, पर उन्होंने अपनी जरूरतें मार करके, अपना दिल मार करके, अपना पेट मार करके खर्चा कर दी। वो सहाबी का वाकया बहुत मशहूर है जिनके बारे में आयत नाज़िल हुई थी कि अल्लाह मेहमान आए घर पे तो उन्होंने अपने खाने के लिए जो मौजूद था वो भी जो है मेहमान को खिला दिया, खुद भूखे रह गए और बीवी से कहा चल आग बंद कर दो और हाथ हिला के रहे, वो मशहूर वाकया है और उस पर वायदे नाज़िल, क्योंकि उससे सहाबा की अजमत भी समझ में आती है कि भाई उनसे कहा गया था जरूरत से ज्यादा चीजें खर्च करनी है पर उन्होंने अपनी जरूरतें भी अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान कर दी, खर्च कर दी। आयात अल्लाह ताला ऐसे ही अपनी आयतें तुम्हारे लिए वाज़े करता है, लाल लकुम तफक्करू, ताकि तुम गौर फिक्र करो। शरीयत हमने हमको अकल दी है, शरीयत हमको गौर फिक्र का हुक्म देती है, फिर दुनिया वाल आखिरा, आयतें मिली हुई आपस में दूसरे से इसलिए दोनों को एक साथ मैंने यहाँ पे रख दिया है, दुनिया में भी गौर करो आखिरत में भी गौर करो, यानी चीजों शरीयत आपको अंधविश्वास जिसको कहा जाता है ना, शरीयत आपसे कहती है कि आंख बंद करके हर चीज मान लो, गौर फिक्र करके मान लो। इसलिए हम ये बार बार कहते हैं ईमान बिल गैब और अंधविश्वास में बहुत फर्क है। अंधविश्वास कहते हैं बगैर सोचे समझे मान लेना, शरीयत ही नहीं कहती बगैर सोचे समझे मानो, शरीयत ये कहती है अक्ल का इस्तेमाल करके मानो, अक्ल का इस्तेमाल करो और वो चीजें जो नहीं देखी वो भी मानो, क्योंकि अक्ल ये कहती है कि होना चाहिए। तो फरमाए तुम गौर फिक्र करो, और गौर फिक्र सिर्फ दुनिया ही मत करो, दुनिया में भी करो आखिरत में भी करो, दोनों यानी तवाज़ुन होना बहुत जरूरी है, इत्तेदाल होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आदमी सिर्फ दुनिया के बारे में सोचता है ना तो अल्लाह की हराम को भी हलाल कर लेता है, सिर्फ आखिरत के बारे में सोचता है तो हराम को जो है हलाल को भी हराम कर देता है, सिर्फ दुनिया के बारे में सोचता है ना तो जो हराम है वो भी हलाल कर लेता है, बोलता है सूद भी हलाल कर दो उससे भी फायदा है, जुआ भी हलाल कर दो उससे भी फायदा है। भाई इंश्योरेंस हमारे यहाँ जो होता है क्या है, वो भी जुआ एक तरह का, जैसे मैंने जुए की किस्म बताई ना कि जुआ किसको कहते हैं, एक अनसर्टेन चीज पर पैसा लगा देना, हुआ तो मेरा ज्यादा मिलेगा मुझको वरना मेरा भी चला जाएगा। इंश्योरेंस में क्या होता है, यही होता है कि भाई एक्सीडेंट हुआ बाइक का कार का तो तुमको इतना रिटर्न मिलेगा इसके बदले में, जो दिया उससे कई गुना ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो जो लगाया तो वो भी चला जाएगा। इंश्योरेंस जो है वो इस जमाने का सबसे बड़ा जुआ है और उसको लीगल कर दिया गया है हमारे माशरे के अंदर। तुमको बीमारी हुई तो जो तुमने मेडिकल में एक इंश्योरेंस लिया हुआ था उसका तुमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, 5,000 लगा करके 5,00,000 का बेनिफिट मिल जाएगा, वरना वो 5,000 में चला जाएगा जो तुमने लगाया था। तो इंश्योरेंस भी एक तरह का जुआ है। अब दुनिया के बारे में सिर्फ आदमी सोचेगा तो उसको लगेगा बहुत फायदे की चीज है, अल्लाह फरमाए दुनिया का फायदा, जब दुनिया का फायदा आदमी सोचता है तो उसको लगता है सब हलाल कर लो, अल्लाह के हराम को भी हलाल कर लो, जुआ भी हलाल करो, शराब भी हराम करो, मजा आता है, जिना भी हलाल कर लो, सब चीज हलाल कर लो। हाँ, और आखिरत के बारे में बाज मरतबा सोचता है तो अल्लाह की हलाल चीजों को भी बंदा हराम कर देता है, वो रहबानियत अख्तियार कर लेता है, फिर वो बोलता है नहीं पैसा भी नहीं कमाने जाना है, तिजारत भी नहीं करना है, शादी भी नहीं करना है, बच्चे भी नहीं पैदा करना है, जंगलों में चला जाना है और जाकर के सिर्फ जो है वो हकू हकू के नारे लगाना है, वो एकदम जोगी बन जाता है, संन्यास ले लेता है। शरीयत कहती है बैलेंस रखो भाई, दुनिया के बारे में भी सोचो आखिरत के बारे में सोचो, दुनिया पे भी गौर करो आखिरत पे भी गौर करो। दुनिया में अगर कोई चीज का फायदा है अल्लाह ताला ही नहीं कहता है फायदा मत लो, वला तंसा नसीबक मिन दुनिया, दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है उसको मत भूलो, दुनिया में हिस्सा है वो लो, दुनिया की फायदे की भी सोचो और आखिरत की भी फायदे की सोचो, बैलेंस रखो दोनों के अंदर, ना इतना एकदम आखिरत की तरफ हो जाओ कि दुनिया से छोड़ के त्याग दो, बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाओ, जोगी बन जाओ, संन्यास ले लो, ना दुनिया के बारे में इतना सोचो कि बस दुनिया परस हो जाओ, मादा परस हो जाओ, मेटेरियलिस्टिक हो जाओ, बिल्कुल हमेशा मेटेरियलिस्टिक ही जहन रखो और बस सामान के बारे में सोचो, ये चीज लेना है वो चीज लेना है, ये खाना है वो खाना है, नहीं जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, औरतें जो होती है मेटेरियलिस्टिक, कैसा उनका जहन होता है, मतलब वो सिर्फ चीजें देख के ऐसा खुश होती है जन्नत मिल गई है, यानी दुनिया की चीजों से मोहब्बत को इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि बस वो ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद रह जाए, दोनों बैलेंस रखो जिंदगी के अंदर, दुनिया के बारे में भी सोचो आखिरत के बारे में सोचो। वे सालू नकानी यतामा, ये आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, कुल इस्लाहुम लहुम खैर, इनसे कह दीजिए कि यतीमों के इस्लाह करना, उनके साथ भलाई करना इसी में बेहतरी है, वह इन तुफारी तो हूँ फैफवानों को, उनसे अगर मिला उनको अपने साथ मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं, वल्लाहु यालिमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह, और अल्लाह ताला जानता है कौन है मुफ्सिद और कौन है मुस्लिह, वलौ शा अल्लाहु लअनतकुम, अल्लाह चाहता तो तुमको मुश्किल में डाल देता, इनल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम है। अब ये क्या हुआ कि यतीमों का जिक्र आ रहा है, यतीमों का दो तबके जो है माशरे के बहुत कमजोर होते हैं, बेबस होते हैं, तो उन दो तबकों के हुकूक की शरीयत ने बहुत रियायत की है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक्क़ ज़ाइफ़ैन अल-यतीम वल-मर्आ, कि अल्लाह ताला मैं दो लोगों के हुकूक में बहुत ज्यादा तंगी कर रहा हूँ, सख्ती कर रहा हूँ कि दो लोगों के हुकूक जो है वो मारे ना जाए, एक यतीम और एक औरत।
औरत भी माशरे की कमजोर तबका होती है, उसके अंदर ताकत जिस्मानी सलाहियत नहीं होती, इसलिए जहाँ पर इस्लाम के निज़ाम नहीं होता वहाँ औरतों का नुकसान होता है, उनके हकूक नहीं दिए जाते। यतीम इस हैसियत से कमजोर होता है कि उसका कोई सरपरस्त नहीं है, बाप का इंतकाल हो चुका है, अभी नाबालिग है, तो माशरा समाज और उसके अपने रिश्तेदार उसका माल लूट खसोट लेते हैं, वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता, बच्चा था वो। तो शरीयत इन दोनों के हकूक का बहुत ख्याल रखती है। इस ख्याल ही के तहत सूरह निसा में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि यतीमों का जो है माल अपने माल में मिला करके मत खाओ, और इन नजीरा याकुलून अमवाल अल्यताम ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, कि जो लोग यतीम का माल खा लेते हैं जालिमाना तौर पे वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं। तो जब यतीमों का माल खाने पर इतनी वईदें नाजिल हुई तो बाद सहाबा ने क्या किया, यतीम का माल अपने माल से बिल्कुल अलग कर दिया, अब उनका खाना भी अलग बन रहा है घर के अंदर, हाँ उनका सब कुछ अलग है, कपड़े अलग, खाना अलग, सब अलग हो रहा है, और ये मुशक्कत वाली बात हो गई, दो खाना बनाना पड़ रहा है, औरत अपने बच्चों के लिए अलग खाना बना रही है, यतीम का खाना अलग बन रहा है, एक साथ एक औरत के लिए दो किचन संभालना कितना मुश्किल, एक किचन संभलता नहीं औरतों से। फिर ये कि अब यतीम का खाना, यतीम है बच्चा है ना, यतीम जिसको कहते हैं ऐसा नाबालिग बच्चा जिसकी बाप की वफात हो गई है, यतीम की तारीफ क्या है, ऐसा नाबालिग बच्चा जिसके बाप की वफात हो गई है, तो यतीम अगर नाबालिग है तो वो यतीम होगा, अगर बालिग हो गया तो वो यतीम नहीं रह जाता, और बाप की मौत से यतीम होता है, माँ की मौत से यतीम नहीं होता, ये दो बातें याद रखनी चाहिए कि माँ की मौत से बच्चा यतीम नहीं होता, ये शरी यतीम जिसको कहते हैं, जिसको जिसके साथ उसने सुलूक का और उसके माल को ना खाने का हुक्म दिया गया, वो कौन है, जिसके बाप की मौत हुई हो, यानी माँ की मौत से यतीम नहीं होता, और जो नाबालिग हो तो बालिग यतीम नहीं होता। तो अभी क्या हो रहा है, वो यतीम है उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया सबसे, अब वो यतीम बच्चा है वो, अब उसके लिए कितना भी खाना बनेगा तो कुछ बच जा रहे हैं, बच जा रहे तो उसको बासी खाना पड़ रहा है, उसका खाना ज़ाया हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, तो सहाबा बड़ी मशक्क़त में पड़ गए, वहाँ करके अल्लाह ने पूछा कि अल्लाह के नबी ये बड़ी मुश्किल चीज़ है कि यतीम को बिल्कुल उसका माल अपने माल से ना मिलाओ, उनको अलग कर दें, उनका खाना अलग बन रहा है, दो दो बार खाना बनाना पड़ रहा है, उनका खाना बच जा रहा है, ज़ाया हो रहा है, उसका ही नुकसान हो रहा है, तो अल्लाह ने फरमाया वही तो खाली तो हूँ वही खुआ हूँ, अगर अपने साथ मिला लो तो तुम्हारे भाई है, इतना भी पाबंदी नहीं है कि भाई खाना भी अलग, ठीक है अपने घर में खाना बन रहा है, अंदाजा लगा लो कि भाई यतीम बच्चा है तो अगर खाना बन रहा है तो एक आदमी खाने का इतना खर्चा आता है, तो उसके माल से इतना पैसा मैं ले सकता हूँ, इतना खाने में ये साल भर महीने का इतना राशन आता है, तो इतना मैं उसके माल से लेने का हकदार बन जा रहा हूँ, अब उसमें कुछ कम ज्यादा भी होगा तो अल्लाह ताला इतनी सख्ती नहीं कर रहा, फरमाया इंतफाली तो अगर अपने आप में मिला लो फिर इखवानुकुम तुम्हारे भाई है, सारे भाई खा रहे हैं, चार बच्चे आपके खा रहे हैं, पांचवा यतीम बच्चा भी खा ले रहे हैं, तुम्हारा भाई है वो, लेकिन अब ये बहाना और हीला नहीं बनना चाहिए कि ठीक है अल्लाह ताला ने मिलाने की इजाजत दे दी तो इसको हीला बना लिया जाए और अब यतीम का माल खाया जाए, वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह जानता है कौन है मुफ्सिद और कौन है मुस्लिह, कौन खैरखाही की नीयत से माल मिला रहे हैं और कौन माल मिला करके उनका भी माल हड़प कर जा रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है दुनिया वालों से तुम छुपा लो, दुनिया वालों को बहाना बना ले जाओ, उस यतीम बच्चे से छुपा लो, उसको कोई बहाना बना ले जाओ, पर अगर नाजायज तरीके से माल खाओगे यतीम का तो अल्लाह ताला जानता है कौन है जो फसाद फैलाने वाले यानी यतीम के माल को बिगाड़ रहे हैं और कौन है जो माल का यूज ऐसे कर रहे हैं कि उसकी इस्लाह मकसूद है, उसको बेहतर करना मकसूद है, इस्लाह मतलब उसके माल को बेहतर करना मकसूद है, मतलब शाह अल्लाह लाना था तुम, अल्लाह चाहता तो तुमको मशक्कत में डाल सकता था, ये मशक्कत हो जाती कि यतीम का माल तुम्हारे माल से अलग रखना है, अलग खाना बनाना है, अलग कपड़े धोना है, सब कुछ अलग करना है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा, उसका साबुन अलग लाओ, उसके लिए जो है सारी चीज़ों का अलग इंतजाम करो, तो अल्लाह नहीं चाहता कि तुमको मशक्कत में डाले, शरीयत जो है वो मशक्कत से पाक, अल्लाह ताला हम पर वो बोझ नहीं डालता जो हम उठा ना पाए, अल्लाह हमारे लिए आसानी चाहता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहते तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता, तो अल्लाह चाहता तो तुमको मुश्किल में डाल सकता था, पर अल्लाह ने मुश्किल में नहीं डाला, इन्नल्लाह अजीजुल हकीम, बेशक अल्लाह ताला अजीज यानी गालिब है, हकीम यानी हिकमत वाला है। फिर आगे फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकति वलव अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अबदुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिकुम वलव अअजबतकुम उलाइका यदउना इलन नार والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون। अल्लाह ने फरमाया कि ये मुसलमानों के लिए अहकाम नाज़िल हो रहे हैं और वो माशरा ऐसा माशरा है कि मुसलमानों को भी मुशरिकों से अलग किया जा रहा है, तो अभी तो मसले ये जैसे हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो सदियों से जो है वो मुसलमान एक अलग कम्युनिटी में है, पर यहाँ तो मसला क्या हुआ है, अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो कभी ये है कि बेटा मुसलमान हो गया है, बाप काफिर है, माँ मुसलमान हो गई है, बेटा काफिर है, शौहर मुसलमान हो जा रहा है, बीवी काफिर है, बीवी मुसलमान है, शौहर काफिर है,
और फिर आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, मेल मिलाप है, मोहब्बत है, रिश्तेदारियां हैं, तो एक प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि तो शादियां आपस में एक दूसरे से होती हैं, तो अब पाबंदी लगाई जा रही है वाला तुम जो मुश्किल कि मुश्रिका औरतों से शादी मत करो जब तक कि वो ईमान ना ले। वल अमत मुमिनत खैर मिन मुश्रिकत वलो आजबतकुम, और जो लौंडी है, लौंडी भी हो कोई, यानी लौंडी से आमतौर पे आजाद लोग निकाह नहीं करते थे, लौंडी जो है वो निचली तबके की मानी जाती थी, तो फरमाए कोई लौंडी भी हो अगर वो मोमिना है, ईमान वाली है, वो मुश्रिका से बेहतर है। वलो आजबतकुम, गरचे मुश्रिका तुमको अच्छी लगे, भाई मुश्रिक में क्या अच्छा लगेगा, उसका माल अच्छा लग जाएगा, उसका हुस्न अच्छा लग जाएगा, तो दुनिया की कितनी भी उसके अंदर फजाइल हों, उसके अखलाक अच्छे लग जाएंगे बज़ाहिर, लेकिन वो मोमिना औरत से के बराबर नहीं हो सकती, मोमिना औरत चाहे लौंडी ही क्यों ना हो। तो मुसलमान औरत से शादी करो, मुसलमान लौंडी भी निचले तबके की यानी औरत समझी जाती थी, वो आला खानदान की मुश्तिका औरत से बेहतर है। बोलो आजबत तो मगर चाहिए वो, यानी ऐसा हो सकता है कि हमारी तबीयत किसी ऐसी चीज़ की तरफ मायल हो जो शरीयत ने हराम की, शरीयत ही नहीं कहती कि भाई तुमको कोई चीज़ हराम चीज़ पसंद ही नहीं आनी चाहिए, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी नफ्स को पसंद होती हैं, शरीयत में वो हराम होती हैं। अल्लाह ने ऐसे फरमाया कि हुफ्फतिन नारु बिश्शहवात, जहन्नम को जो है वो शहवतों से घेर दिया गया है, पसंदीदा चीज़ों से घेर दिया गया है। अभी जिहाद के बारे में आयत गुजरी कि कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुर्हुन लकुम, तुमको क़िताल हराम वाजिब किया गया तुम पर, हालांकि तुम उसको पसंद नहीं करते। हो सकता है शरीयत का कोई हुक्म हो, हमारी तबीयत नहीं चाहती वो करना, हमारी नफ्स को पसंद ना हो, या शरीयत ने किसी चीज को हराम किया हो पर हमारी शरीयत में उसकी तरफ मैलान हो। शरीयत ही नहीं कहती कि मैलान भी नहीं होना चाहिए, भाई मैलान हो सकता है, वैसा वो औरत है पसंद आ सकती है, वो नफ्स उसकी तरफ मायल हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया कि तुमको पसंद नहीं आनी चाहिए, फरमाया गरचे पसंद आ रही है, पसंद आना ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, कोई मुशरिका औरत अपनी खूबसूरती से पसंद आ सकती है, अपने खानदान और नसब नसब की से पसंद आ सकती है, अपने अखलाक की से पसंद आ सकती है, अपनी जो है वो इल्म की जैसे पसंद आ सकती है, कोई और वजह से पसंद आ सकती है, पसंद आने पर शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई है पर निकाह नहीं कर सकता मुसलमान औरत से। इससे हमको भी समझ में आता है ना कि मुसलमान बहरहाल बदतरीन फासिक भी क्यों ना हो, बा अखलाक मुशरिक से बेहतर है। हमारे एक तबका है ना बार बार मुसलमानों की बुराई करता है, मुसलमान तो ऐसे भाई, मैं तो यूरोप गया, जितने लोग यूरोप का चक्कर लगाते हैं यूरोप के तो ईसाई है पर ऐसे हैं और ये इंडियो को भी आएंगे अच्छे अखलाक वाले, भाई जो कुछ भी है अल्लाह का बेटा मानते हैं ना वो, तो जो एक बेनमाजी शराबी जुआरी मुसलमान उनसे बेहतर है, उस ईमान नहीं है जिसके पास, वो अखलाक के किरदार का जितना भी आला हो जाए वो कभी भी मोमिन के बराबर नहीं हो सकता है। एक तबका बार बार जो है ना वो मोमिनों की बुराई करेगा, अरे मुसलमान खासतौर पर पाकिस्तानी जो लिबरल टाइप के लोग होते हैं कि देखो वो तो यहूदी हैं, वो तो नसरानी हैं, उन्होंने ये इजादात कर ली हैं और ये इतने उनके आला अखलाक हैं, और यूरोप में तो ये हालांकि उनके अखलाक की हकीकत क्या है, इराक, अफगानिस्तान, शाम, लीबिया, ये सब गवाह हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोगों के अखलाक हैं, हिंदुस्तान गवाह है भाई, ये हमारे मुल्क को तबाह करने वाले अंग्रेज लोग हैं, लेकिन वो उसको इस बहस को कतई नजर, ठीक है भाई यूरोप के लोग बहुत बाखलाक हैं, अमेरिका के लोग बहुत बाखलाक हैं, पर मुसलमान नहीं है ना, काफिर है, हिंदुस्तान का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, अफगानिस्तान का मुसलमान बदअखलाक है, शराबी है, नमाज नहीं पढ़ता, चूहा खेलता है, जो भी करता हो झूठ बोलता है, कारोबार में डंडियां मारता है, सब करता है, गुनाह अपनी जगह पर है, फिर भी ये मुसलमान मुशरिक से बहरहाल बेहतर है। वला अमत मुमिनत खैर मिन मुशरिकत वाजिबत, नहीं जाएगा कभी ना कभी जन्नत में, क्योंकि ये अल्लाह को एक मानता है, क्योंकि ये नहीं कहता कि अल्लाह ताला का बेटा हुआ, नऊज़ बिल्लाह, तो यहूदी नसरानी अल्लाह का बेटा करार देते हैं, फिर वो अखलाक के कितने भी आला हो जाए वो मुसलमान के बराबर नहीं हो सकते, वो हम हमेशा में जन्नत में जाएंगे, मुसलमान कभी ना कभी जन्नत में जाएगा। वला तुंकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और मुशरिकों से शादी मत कराओ अपनी बेटियों की, हत्ता युमिनू, जब तक कि वो ईमान ना ले। अच्छा तरकीब देखिए, ला तुंकिहुल मुशरिकात, मैंने पता नहीं तुंकिहुल तो नहीं पढ़ दिया, वला तुंकिहुल मुशरिकात, मुशरिका औरतों से निकाह मत करो। यहाँ पे जो है ना वो मुतादी का शेगा इस्तेमाल किया गया, लाजिम का शेगा इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पे क्या कहा, वला तुंकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू। अब तुंकिहु का मतलब क्या होता है, शादियां मत कराओ मुशरिक मर्दों से, मतलब क्या होता है, अपनी औरतों की शादियां मत कराओ, हाँ अपनी औरतों को निकाह में मत दो। इस आयत से भी उलमा ने इस्तदलाल किया है कि औरत की शादी के लिए वली का होना जरूरी है, जहां अपनी शादी की बात भी वहां क्या फरमाया, मर्दों की शादी की बात भी फरमाया तुम शादी मत करो,
और जहां औरतों की शादी की बात हुई वहां औरतों से खिताब नहीं किया जा रहा है कि अय औरतों तुम शादी मत करो, वहां औरतों के औलिया से खिताब हो रहा है कि तुम अपनी औरतों की शादी मत कराओ। मतलब क्या है, औरत की शादी का जिम्मेदार वली होगा। फर्क को समझे, जहां खुद मर्दों से कहा जा रहा है शादी नहीं कर रहे, वहां कहा कहा गया तुम शादी मत करो, जहां औरतों के से रोका गया है वहां औरतों को नहीं कहा गया तुम शादी मत करो, क्योंकि औरत खुद शादी नहीं कर सकती अपनी। तो औरतों से नहीं कहा गया कि मुशरिक मर्दों से शादी मत करो, औरतों के औलिया से कहा गया अपनी तुन की हो निकाह मत करवाओ। अन कहा युन की हो इनकाह निकाह कराना, हाँ न कहा यन कहो निकाह करना। तो पहले कहा गया निकाह मत करो और तुन की हो यानी निकाह मत कराओ, यानी अपनी औरतों का निकाह मत कराओ। तो ये औरत से खिताब नहीं किया गया, औरत के औलिया से खिताब किया गया, उसके गार्जियन से खिताब किया गया, यानी बाप बाप नहीं है तो भाई, भाई नहीं है तो चाचा, चाचा नहीं है तो दादा, जो भी एक जो है, बल्कि दादा नहीं है तो चाचा, चाचा बाद में दादा पहले। तो उनके औलिया से जो गार्जियंस थे उनसे कहा गया कि अपनी औरतों की शादी मुशरिक मर्दों से मत कराओ जब तक कि वो ईमान ना ले आए। वल अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो अअजबकुम, और मोमिन गुलाम भी होना उसे शादी करा दो बेहतर है वो इससे कि तुम मुशरिक से शादी करो। हम दो चार दहाइयों पहले सोच नहीं सकते थे, पर अब ये सूरत हाल बन गई है कि बाकायदा मुसलमान लड़कियां भाग भाग करके काफी लड़कों से शादी कर रही है। बाकायदा एक फतवा लव ट्रैक है जिसमें फंसा करके भी की जा रही है, और वैसे भी जो एक लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म का दर्स पढ़ाया जा रहा है टीवी पर उसका ये असर है, और जो कॉलेजेस में लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ और मुस्लिम लड़कों के साथ पढ़ रही हैं काफी लड़कों के साथ कॉलेजेस में और कंपनीज में काम कर रही हैं, तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं। तो मुस्लिम लड़के से शादी करने से बेहतर है किसी बेरोजगार मुसलमान से, टपोरी से किसी शादी कर लो, हाँ जो मुसलमान हो ये किसी मुशरिक किसी कंपनी के सीईओ से शादी करने से बेहतर है। लेकिन अच्छा ताजुब ये नहीं हो रहा कि लड़कियां कर रही, ताजुब ये हो रहा है कि बाज घरों में तो बाकायदा माँ बाप करा रहे ऐसे शादी कार्ड, बाकायदा जो है ना वो सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए देखे गए हैं जहाँ माँ बाप बाकायदा अपनी बच्ची की शादी किसी काफिर से करा रहे हैं और रिश्तेदारों को दावत भी दे रहे हैं उसमें। मेरे पास पर्सनल ऐसे केसेस आए हैं जहाँ माँ बाप खुद करा रहे किसी काफिर से शादी है। अल्लाह पर रहे फरमाए, नहीं ये वो दौर है जब जिसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पेशेन गोई की थी कि आदमी थोड़े से माल के लिए अपना ईमान बेच करके काफिर हो जाए। तो फरमाया किसी मुसलमान को यानी गुलाम जो है वो मुआशरे का सबसे कमतर फर्द होता था, उससे शादी कर लो अगर वो मोमिन है तो बेहतर है इससे कि किसी बड़े मुश्रिक से। बलो आजबकुम, गर्चे वो पसंद आ रहे, किसी लड़के का हुस्न तुमको पसंद आ सकता है, उसका माल देख करके तुमको लालच हो सकती है, फिर भी उस लड़के से बेहतर है कि तुम किसी बेरोजगार से किसी गरीब से शादी कर लो, किसी आदमी की दूसरी बीवी बन जाओ, तीसरी बन जाओ, चौथी बन जाओ, ये बेहतर है किसी मुशरिक से शादी करने से। लाए कहते हो नार, क्योंकि वो जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं, वो तुमको भी जहन्नम में लेकर के जाएंगे, तुम्हारी नस्लों को भी जहन्नम में लेकर के जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को भी गुमराह करेंगे, उससे जो बच्चे तुम्हारे पैदा होंगे वो, यानी इस्लाम तो ये चाहता है कि मुसलमान में भी जो दीनदार है उनसे शादी करो, पर तुम मुशरिक से शादी करोगे तो तुम्हारे बच्चों को जहन्नम में लेके चला जाएगा, तुमको जहन्नम में लेके चला जाएगा। वल्लाह यदउ इलल जन्ना, और अल्लाह तुमको जन्नत की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह ने जो अमाल और रास्ता बताया जन्नत के जाने वाले। बल मगफिरा, अल्लाह मगफिरत की तरफ बुला रहा है बीज नहीं अपने हुक्म से। युबय्यिनु आयातिहि, युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अपनी आयतें अल्लाह ताला वाज़े कर रहा है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। तो इस आयत में वाज़े तौर पर मना कर दिया गया है मुसलमान औरतों को कि वो मुशरिक मर्दों से शादी नहीं कर सकते, ना मुसलमान औरतें जो मुसलमान मर्द मुशरिक औरत से शादी कर सकते। फिर इसके बाद इस आयत की तफ़सीर सूरह मायदा की उस आयत से हो जाती है जिसमें अल्लाह ताला ने बाद में मुसलमानों को जाकर के अहले किताब की औरतों से शादी की इजाज़त दी है। अल्लाह ने फरमाया कि जो अहले किताब की पाकीज़ा औरतें हैं यानी यहूदी और नसरानी औरतें, उनसे मुसलमान मर्द निकाह कर सकता है, लेकिन मुसलमान औरत किसी यहूदी या ईसाई से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि घर में कवाम जो होता है वो मर्द होता है। तो अगर मुसलमान मर्द किसी यहूदी नसरानी औरत से यानी मुशरिका बुतपरस्त से हिंदू से बुद्धिस्ट से और मजूसी से पारसी से शादी नहीं कर सकता, लेकिन मुसलमान मर्द यहूदी औरत या ईसाई औरत से शादी कर सकता है, क्योंकि अगर वो मर्द है तो मर्द घर में कवाम होता है गालिब रहता है, तो इस बात का इम्कान नहीं होता कि वो यहूदी औरत या ईसाई औरत, खासतौर पर जब कल्चर भी मुसलमानों का है मुल्क भी मुसलमानों का है, तो उसमें इस बात का इम्कान नहीं होता कि वो औरत जो है वो अपना दबाव डाल करके बच्चों को यहूदी या नस्तानी बना सकेगी, तो शरीयत ने इसकी इजाज़त दी।
पर मुसलमान औरत को इजाजत नहीं दी गई कि किसी मुश्रिक मर्द से या यहूदी से या नसरानी से, मुसलमान औरत सिर्फ मुसलमान मर्द से शादी कर सकती है। मुसलमान मर्द मुसलमान औरत से भी कर सकता है, बेहतर ही कि मुसलमान औरत से करे, बल्कि मुसलमान औरत में भी दीनदार औरत से करे, लेकिन इजाजत की हद तक यहूदी औरत और नसरानी औरत से भी शादी की इजाजत शरीयत ने दी है, इजाजत दी अल्लाह ताला हलाल किया अल्लाह ताला ने। तो मुसलमान क्रिश्चियन औरत से शादी कर सकता है, यहूदी औरत से कर सकता है, मुसलमान से भी कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी आयत बयान लाल लोगों के तस्क करूँ ताकि वो नसीहत हासिल करें। आज के दर से ही पर हम खत्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान भी समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की आयतों में गौर और फिक्र की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम।